बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। पास्ट पेपर का हम एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं, दैट इज रिलेटेड टू द कंसोलिडेशन। और ये जो क्वेश्चन है आपके पास, रीसेंट अटेम्प्ट्स में से, यानी कि 2021 का क्वेश्चन है, और अच्छा क्वेश्चन है इसके अंदर। वैसे इसके बाद भी कुछ क्वेश्चन आए हैं, लेकिन इसमें आपके पास कुछ नई एडजस्टमेंट्स भी हैं, तो उसको हम अकाउंट फॉर करते हैं। मैं ये क्वेश्चन, अगर आपका नेट चले तो मैं ग्रुप पे शेयर कर देता हूँ। क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, आया जरा देखते हैं इस क्वेश्चन को, हम रीड करते हैं पहले और देखते हैं कि क्वेश्चन है क्या इसके अंदर, और मैक्सिमम कितनी एडजस्टमेंट्स आती हैं। देखिए, हमने जो प्रैक्टिस की थी उसके अंदर डेफिनेटली हमने बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी चीजें हमने प्रैक्टिस की है। देखते हैं जरा इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्या चीजें यहाँ पर गिवन है। ऑन 1 जनवरी 2002, ऑन 1 जनवरी 2002, ऑन 1 जनवरी 2002 आपके पास यहाँ पे कह रहा है कि गोल्ड एक्वायर्ड 90% ऑफ द 16 मिलियन डॉलर वन इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ सिल्वर। यानी कि गोल्ड ने 1 जनवरी 2002 पे 90% ऑर्डिनरी शेयर्स एक्वायर किए हैं, किसके? ऑफ सिल्वर के। अच्छा, आगे क्या कह रहा है? ऑफ द 16 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ अ सिल्वर कंपनी। याद रहे, 16 मिलियन शेयर्स एक्वायर नहीं किए। 16 मिलियन क्या है? व्हाट इज दैट 16 मिलियन? नहीं, ये टोटल ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ सब्सिडियरी कंपनी है। आई रिपीट, क्वेश्चन का डाटा बहुत ध्यान से आपने पढ़ना है। ऑन 1 जनवरी 2002 गोल्ड कंपनी एक्वायर्ड 90% ऑफ दी 16 मिलियन टोटल ऑर्डिनरी शेयर। यानी कि 16 मिलियन टोटल ऑर्डिनरी शेयर है। किसके ऑर्डिनरी शेयर है? टोटल सिल्वर कंपनी के, जिसमें से हमने कितने परसेंट शेयर एक्वायर किए हैं? 90%। आगे चलते हैं जरा, फिर इसके बाद आगे क्या रहा है? इसके बाद आगे क्या रहा है कि गोल्ड कंपनी इश्यूड 3 न्यू शेयर्स इन एक्सचेंज फॉर एवरी 5 शेयर्स इट एक्वायर्ड इन अ सिल्वर कंपनी। यहां तक कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? कि सब्सिडियरी कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स दे दिए जिसने 90% एक्वायर किए हैं, जाहिर सी बात है उसके लिए कोई ना कोई कंसिडरेशन हमने दी होगी। तो उसने कह दिया कि हमने अपनी कंपनी के कुछ शेयर इश्यू किए हैं, जिसका फ्रैक्शन दे दिया गया है कि 3 न्यू शेयर्स फॉर एवरी 5, यानी कि 3 फॉर 5। अच्छा, आगे चलते जरा, फिर इसके बाद आगे कह रहा है, एडिशनली, इसके अलावा कह रहा है, गोल्ड कंपनी विल पे फर्दर कंसिडरेशन ऑन 31 दिसंबर 2002, यानी कि 2 साल बाद। 2 साल बाद गोल्ड कंपनी कुछ और कंसिडरेशन पे करेगी। कितने की कंसिडरेशन पे करेगी? ऑफ $2.42 पर शेयर एक्वायर्ड। यानी कि आपके पास 2 साल बाद एक अमाउंट पे करेगी। 2 साल बाद क्यों? सॉरी, 1 साल बाद, सॉरी, 1 साल बाद। 1 जनवरी को एक्वायर किया और ईयर एंड के ऊपर हम यहां पर एक और अमाउंट पे करेंगे, दैट इज 2.42। कितना अमाउंट पे करेंगे? 2.42 पर शेयर हम पे करेंगे। है कोई जो मुझे बता सके क्या है ये? डेफर्ड कंसिडरेशन। वी आर नॉट पेइंग राइट नाउ, विल बी पेइंग दैट अमाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर। इसका मतलब ये 2.42 जो आपके पास आ रहा है, दैट इज द डेफर्ड कंसिडरेशन। कौन सी कंसिडरेशन है ये? डेफर्ड कंसिडरेशन आपके पास यहां पर आ गई। खैर, 1 साल बाद, ठीक है, यानी कि 1 साल का टाइम पीरियड है, तो इट इज मटीरियल। अच्छा, अब डेफर्ड कंसिडरेशन के बारे में क्या था? कि डेफर्ड कंसिडरेशन जब भी आएगी, किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे? प्रेजेंट वैल्यू पे। अच्छा, खैर, बिल्कुल। और जब प्रेजेंट वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे, तो उसकी साल के आखिर में वो भी करनी अनवाइंडिंग। चले, आगे चलते जरा। आगे कह रहा है कि गोल्ड कंपनीज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 10% एंड द डिस्काउंट फैक्टर 10% फॉर 1 ईयर इज 0.091। है कोई जो बता सके ये क्या दिया हुआ है? इसका मतलब मुझे फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम यहाँ पर फैक्टर से मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? प्रेजेंट वैल्यू। चले, खैर, आगे क्या कह रहा है इसके अंदर? एट द डेट ऑफ एक्विजिशन, शेयर्स इन गोल्ड एंड सिल्वर कंपनी, शेयर्स इन गोल्ड एंड सिल्वर कंपनी हैड अ फेयर वैल्यू, और द मार्केट वैल्यू इज 8 एंड 3.5 रिस्पेक्टिवली। ये क्या दिए हुए? ये क्या दी हुई मुझे? नहीं, ये मुझे शेयर्स की मार्केट वैल्यू दी गई। कब? एट द डेट ऑफ। सर, जरूरत क्या है इसकी? पता नहीं, देखेंगे, शायद कहीं जरूरत पड़ जाए। जरूरत पड़ेगी तो एक ले लेंगे, वरना तो फिर इग्नोर कर देंगे उसके अंदर। याद है, क्लियर? इसके अंदर पेरेंट और सब्सिडी दोनों के शेयर्स की मार्केट वैल्यू मेरे पास गिवन है। याद है, क्लियर? इसके अंदर हेलो। चले, अब इसके बाद एक पीएनएल मेरे पास दिया हुआ है, इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट के अंदर गोल्ड और सिल्वर की आपके पास पीएनएल गिवन है। इसका मतलब ये कि अगर गोल्ड और सिल्वर का पीएनएल गिवन है, तो इस क्वेश्चन की जो मेन रिक्वायरमेंट होगी वो क्या होगी? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ऐसे ही, यानी कि इस क्वेश्चन की जो मेन रिक्वायरमेंट होगी, दैट वुड बी कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, यहां पर गिवन है।
अच्छा कुछ एडजस्टमेंट्स हमारे पास गए हैं। एडजस्टमेंट्स क्या है? नंबर वन, पहले एडजस्टमेंट देखते हैं जरा। एट फर्स्ट अक्टूबर 2001, एट फर्स्ट अक्टूबर 2001 द रिटेन अर्निंग ऑफ अ सिल्वर कंपनी, सिल्वर कौन है बाय द वे, सब्सिडरी, वॉज 56 मिलियन। एक मिनट, ये फर्स्ट अक्टूबर क्या है? क्या ये एट द डेट ऑफ एक्विजिशन है? नहीं, फर्स्ट अक्टूबर एट द डेट ऑफ एक्विजिशन नहीं है। एक्वायर तो हमने कब किया है? एक मिनट, एक्वायर हमने फर्स्ट जनवरी किया है, जबकि अकाउंटिंग पीरियड कब एंड हो रहा है? 30th September। ऐसा ही है, मुझे बताएं क्या ये पूरा साल है? नहीं। कौन सा क्वेश्चन है ये? मिडियर एक्विजिशन। कैसे, कितने मंथ्स बन रहे? चले काउंट करते, मेरे साथ साथ काउंट करें, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। कितने मंथ्स बन रहे? 9 मंथ्स। इसका मतलब ये है कि हमारे जो पोस्ट एक्विजिशन मंथ्स हैं, दीज आर द 9 मंथ्स। कितने मंथ्स है ये? अच्छा 9 मंथ्स है आपके पास। इसका मतलब ये जो आपके पास रिटेन अर्निंग का बैलेंस दिया हुआ, ये ओपनिंग रिटेन अर्निंग है। कौन सी रिटेन अर्निंग है ये? मुझे नहीं पता ये ओपनिंग रिटेन अर्निंग क्यों दी हुई है। खैर देखेंगे, आगे चल के देखते हैं। एट द डेट ऑफ एक्विजिशन द फेयर वैल्यू ऑफ अ सिल्वर कंपनी, द फेयर वैल्यू ऑफ अ सिल्वर कंपनी एसेट्स वर इक्वल टू द कैरिंग अमाउंट। कह रहा है कि उनके कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू दोनों क्या थी? सेम। लेकिन क्या कह रहा है? एक्सेप्शन ऑफ टू आइटम्स, एक्सेप्शन ऑफ, कह रहे हैं कि दो चीजों में डिफरेंस था। कितनी चीजों में डिफरेंस था? दो चीजों में डिफरेंस था। वो दो चीजें क्या है? नंबर वन, एन आइटम ऑफ द प्लांट हैड अ फेयर वैल्यू ऑफ 2.6 मिलियन अबव इट्स कैरिंग अमाउंट। ये क्या है? रिवैल्यूएशन सरप्लस। कह रहा है 2600 का रिवैल्यूएशन सरप्लस है। द रिमेनिंग लाइफ ऑफ द प्लांट एट द डेट ऑफ एक्विजिशन वॉज 3 ईयर्स, डेप्रिसिएशन इज चार्ज टू कॉस्ट ऑफ सेल्स। याद है क्लियर इसके अंदर? एक और एडजस्टमेंट है जो कि हमने अपनी प्रैक्टिस के दौरान नहीं की, लेकिन यहां पर है तो मैंने कहा इसको भी प्रैक्टिस कर लेंगे। सिल्वर कंपनी हैड अ कंटिंजेंट लायबिलिटी। कौन सी लायबिलिटी? एज पर IAS 37 कंटिंजेंट लायबिलिटी शुड नॉट बी रिकॉर्डेड, इंस्टेड इट शुड बी डिस्क्लोज। ऐसा ही, लेकिन फॉर कंसोलिडेशन पर्पस इट शुड बी ट्रीटेड एज एन एक्चुअल लायबिलिटी। इसको हम प्रोविजन ट्रीट करेंगे। क्या ट्रीट करेंगे? तो क्या कह रहा है कि सिल्वर कंपनी हैड अ कंटिंजेंट लायबिलिटी व्हिच गोल्ड कंपनी एस्टिमेटेड द फेयर वैल्यू इज 8,50,000। This has not changed. This has not changed at 30 September. यानी कि अब तक हमने इसको रिकॉर्ड नहीं किया। तो इसका मतलब ये contingent liability अब contingent liability नहीं है। इसको ट्रीट करेंगे क्या? Provision. यहाँ तक क्लियर है इसके अंदर? अच्छा आगे चलते जरा। फिर इसके बाद next, silver company has not incorporated these fair values changes into the financial statement. पता है हमें? यानी कि दो एडजस्टमेंट डीवीएस का हुआ था, हमें इसको अकाउंट फॉर करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ मेरा एक सवाल है, पता है मेरे एग्जाम में कंफ्यूजन से आ रही है कि अगर क्वेश्चन पीएनएल का है, क्वेश्चन किसका है? तो यार इतनी सारी फेयर वैल्यू की एडजस्टमेंट की शायद मुझे कोई खास जरूरत। चलो देख लेंगे कहां, बिल्कुल देख लेंगे। अच्छा इसके बाद थर्ड एडजस्टमेंट, गोल्ड। गोल्ड कौन है? पेरेंट। गोल्ड कंपनीज पॉलिसी इज टू वैल्यू द नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट एट द फेयर वैल्यू एट द डेट ऑफ एक्विजिशन। फेयर वैल्यू मेथड यूज हो रहा है। For this purpose, silver company share price at the date can be deemed to be representative of the fair value of the shares held at the non-controlling interest. कह रहा है कि उस fair value of NCI को calculate करने के लिए आप subsidiary company के share price को consider कर सकते हैं। क्या मुझे subsidiary company के share price question में given है? Yes sir, मेरे पास दिया हुआ है। कहाँ है? Start of the paragraph के अंदर मेरे पास यहाँ पर parent और subsidiary दोनों की share prices मेरे पास question के अंदर दे दी गई थी। सही कह रहा हूँ मैं? मेरे पास पेरेंट और सब्सिडरी दोनों की शेयर प्राइसेस क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी दे दी गई थी। याद है क्लियर इसके अंदर? अच्छा आगे चलते जरा। इसका मतलब थर्ड एडजस्टमेंट के अंदर कोई खास बात नहीं लिखी थी। थर्ड एडजस्टमेंट के अंदर सिर्फ इतना आपको बताया जा रहा है कि आपके पास सब्सिडरी कंपनी की गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करेंगे। फोर्थ, सेल्स फ्रॉम गोल्ड कंपनी टू सिल्वर। एक मिनट, गोल्ड कौन है? पेरेंट। पेरेंट ने माल बेचा किसको? सब्सिडरी को। कह रहे पोस्ट एक्विजिशन पीरियड हैड कंसिस्टेंटली बीन 600,000 पर मंथ। ये पूरे साल की सेल्स नहीं है। कितनी सेल्स की है ये? 6 लाख रुपए पर मंथ। ऐसा ही है, हमें जब इंट्रा सेल्स एलिमिनेट करनी होगी तो क्या 6 लाख रुपए एलिमिनेट करेंगे? कितने मंथ्स की सेल्स एलिमिनेट करेंगे? 9 मंथ्स की। क्या मेरी बात सुनवा इसके अंदर? अच्छा खैर, फिर इसके बाद क्या कह रहा है इसके अंदर? कह रहा है कि गोल्ड कंपनी हैड अ मार्कअप ऑफ 25% ऑन दीज सेल्स। यानी कि 25% मार्कअप पे ये सेल्स करते हैं। सिल्वर कंपनी हैड $1.2 million ऑफ दीज गुड्स इन इन्वेंट्री, अनसोल्ड गुड्स। और इस अनसोल्ड गुड्स के ऊपर हम लगाएंगे क्या लगाएंगे? हम मार्कअप।
यहां तक क्लियर है इसके अंदर जी? इसके बाद नेक्स्ट फिफ्थ, गोल्ड कंपनीज इन्वेस्टमेंट इनकम, गोल्ड कंपनीज इन्वेस्टमेंट इनकम, गोल्ड कंपनी की इन्वेस्टमेंट इनकम दे रहा है डिविडेंड रिसीव फ्रॉम इट्स इन्वेस्टमेंट इन अ 40% ओल्ड एसोसिएट। कह रहे हैं कि गोल्ड कंपनी की इन्वेस्टमेंट इनकम है, आए जरा गोल्ड कंपनी की इन्वेस्टमेंट इनकम कितनी दे रहा है, गोल्ड कंपनी की इन्वेस्टमेंट इनकम कितनी आ रही है 800, गोल्ड कंपनी की इन्वेस्टमेंट इनकम कितनी आ रही है 800 की इन्वेस्टमेंट इनकम आ रही है, जिसमें कह रहा है कि ये इन्वेस्टमेंट इनकम कहां से आई है, कह रहा है फ्रॉम अ 40% ओन्ड एसोसिएट विच हैज बीन हेल्ड फॉर सेवरल इयर्स। इसका मतलब ये कि इस क्वेश्चन के अंदर एसोसिएट कंपनी भी शामिल है, क्या शामिल है, लेकिन सर वो एसोसिएट के लिए तीसरी इनकम स्टेटमेंट तो दी भी नहीं है, आपस की बात है, हमें एसोसिएट कंपनी के लाइन बाय लाइन आइटम की जरूरत भी, हमें पीएनएल है, हमें हमें जरूरत ही नहीं है, हमें सिर्फ जरूरत पड़ती थी उसके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, किसकी जरूरत पड़ती थी, सही कह रहा हूं मैं, तो सर वो भी तो नहीं है, वो भी तो नहीं है, क्या कह रहे हैं, द एसोसिएट मेड अ प्रॉफिट ऑफ $3 million फॉर द ईयर एंडेड 30th September 2002। इसका मतलब ये है कि इसने मुझे ऑलरेडी इस एसोसिएट का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे दी और यही मुझे चाहिए था, आपस की बात है, मुझे एसोसिएट कंपनी की पूरी इनकम स्टेटमेंट की जरूरत नहीं, मुझे एसोसिएट कंपनी के तमाम लाइन बाय लाइन आइटम की जरूरत, मुझे सिर्फ उसके एक लाइन आइटम की जरूरत है, दैट इज अ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, क्या जरूरत है मुझे, जो कि मुझे यहां पर दे दिया गया है, तो उसका मतलब मुझे एसोसिएट कंपनी का इनकम स्टेटमेंट ढूंढने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल उसका भी शेयर लेंगे, दैट इज 40%, यहां तक क्लियर है यार? अच्छा सुनिए जरा, हमने यहां पर अभी जो एडजस्टमेंट देखी, यानी कि अच्छा सुनिए जरा, अब तक हमने जो एडजस्टमेंट देखी उन एडजस्टमेंट्स के अंदर ऐसे कोई नई चीज नहीं थी, यानी कि हमने क्या देखा, अब तक हमने क्या देखा कि सर यहां पर एक फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट दी हुई है, मिड ईयर एक्विजिशन का क्वेश्चन है, प्लस फेयर वैल्यू मेथड से हम गुडविल को यहां पर कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट सेल्स और परचेज और यूआरपी की एडजस्टमेंट आ रही है ऐसे ही, और एक एसोसिएट कंपनी की एडजस्टमेंट दे रहा है कि एसोसिएट कंपनी ने डिविडेंड दिया है, एसोसिएट कंपनी ने क्या दिया है, यानी कि सब पेरेंट कंपनी की जो इन्वेस्टमेंट इनकम आ रही है 800, ये बेसिकली कहां से आई है, ये एसोसिएट का डिविडेंड है, ये एसोसिएट का डिविडेंड क्लियरली लिखा हुआ है, क्या कह रहा है इसके अंदर, कह रहा है कि गोल्ड कंपनीज इन्वेस्टमेंट इनकम, यानी कि गोल्ड कंपनी की जो इन्वेस्टमेंट इनकम है इज अ डिविडेंड रिसीव फ्रॉम इट्स इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, यानी कि ये पूरा का पूरा आपके पास जो डिविडेंड है 40% नहीं, ये 800 का डिविडेंड पूरा कहां से मिला है इनको, ये एसोसिएट कंपनी से मिला है ऐसे ही, अच्छा फिर कह रहा है कि एसोसिएट कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है दैट इज 3 million। खैर आगे चलते जरा सिक्स एडजस्टमेंट बात है, यानी कि मैं एक बात याद रखिएगा कि मैं सेक्शन सी के क्वेश्चंस के लिए नॉर्मली एक बात स्टूडेंट्स को ये कहता हूं कि देखिए जब भी आपके सेक्शन सी का क्वेश्चन होगा, चाहे वो कंसोलिडेशन हो, फाइनल अकाउंट हो या रेशियो हो, ऑलवेज रिमेंबर कि उस क्वेश्चन के अंदर हमेशा कोई ना कोई एक ऐसी एडजस्टमेंट जरूर होगी जो कि आपको ट्रबल करेगी, कभी भी क्वेश्चन आपको 100, देखिए दो स्टेटमेंट्स कहूंगा बहुत ध्यान से सुनिएगा, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि जो आपको 100% आता हो, क्या कहा मैंने, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको 100% आता हो, लेकिन दूसरी स्टेटमेंट भी सुनिएगा कि कोई क्वेश्चन ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो आपको 100% ना आता हो, दोनों स्टेटमेंट्स की बारीकी समझिएगा, दोनों स्टेटमेंट्स की प्लीज उसको आप क्रक्स को समझिएगा कि कोई क्वेश्चन ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप कहें कि मुझे 100% आता है, there will always be a some part, there will always be an adjustment, there will always be an element जो कि आपको थोड़ा सा ट्रबल करेगा, हाँ लेकिन दूसरी स्टेटमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसा भी नहीं हो सकता कि आप कहें कि कुछ भी नहीं आ रहा, यानी कि देखिए प्रोफेशनल एग्जाम्स आप दे रहे हैं, ये इंटर ए लेवल्स ओ लेवल्स के ये बीकॉम के बोर्ड नहीं है, ये क्या आप कहें कि यार 5 years से क्वेश्चन छप के आ गया, वैल्यूज चेंज हो गई और आपने पेपर दे दिया, ये वो नहीं है सीन, दीज आर द प्रोफेशनल एग्जाम्स, दुनिया भर के अंदर इसके एग्जाम्स कंडक्ट किए जा रहे हैं, सो ऑब्वियसली एग्जामिनर आपको प्रीवियस अटेम्प्ट से कॉपी पेस्ट करके क्वेश्चन नहीं देगा, ये आपकी किट के क्वेश्चंस को रेप्लिका करके नहीं देगा, वो नहीं कर सकता, वो प्रोफेशनल एग्जाम्स है ये, सो इट मींस देयर विल ऑलवेज बी अ चेंज, आप कितने भी पास्ट पेपर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लें, बट वंस यू विल गो टू द एग्जामिनेशन हॉल यू विल डेफिनेटली फेस, यू विल डेफिनेटली सी दैट देयर विल बी समथिंग न्यू इन द क्वेश्चन, क्यों, क्योंकि एग्जामिनर प्रोफेशनल एग्जाम्स कंडक्ट कर रहा है, तो इसके लिए आपको घबराना नहीं है, हाँ लेकिन याद रखिएगा वो जो चेंज होगा, वो जो एडजस्टमेंट होगी, वो आपके पास और फेल का डिसीजन नहीं कर सकता,
अभी मैं ये एडजस्टमेंट अभी करने जा रहा हूँ, ठीक है। अब ये जो मैं एडजस्टमेंट पढ़ने जा रहा हूँ, हो सकता है कि अगर आप इस अटेम्प्ट में ये पेपर दे रहे होते हैं तो ये एडजस्टमेंट आपको थोड़ी सी ट्रबल करती, ये एडजस्टमेंट आपको थोड़ा सा यहाँ पे ट्रबल करती, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ ये आपके लिए डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है, ये आपके फेल होने का फैक्टर नहीं बन सकता। हाँ ठीक है, आपके मार्क्स जरूर कम कर सकता है, लेकिन ये आपको फेल नहीं करवा सकती एडजस्टमेंट। क्या मेरी बात सुन रही है इसके अंदर? सो प्लीज जब आप पेपर के अंदर भी जाएं और पास पेपर के प्रैक्टिस भी कर रहे हो, तो एक आधी एडजस्टमेंट ऐसी होगी जो आपको ट्रबल करनी होगी। ऑल व्हाट यू हैव टू डू दैट इज टू लर्न फ्रॉम दैट एडजस्टमेंट, कि अगर इस जैसी एडजस्टमेंट अगर मेरे पास पेपर में आ जाए तो मुझे इसको बहुत अच्छे तरीके से डील करना है, उसमें कोई लैकनेस ना हो पाए। अब सुनते हैं जरा सिक्स्थ एडजस्टमेंट क्या है। ऑन 1st October 2001, दैट इज द स्टार्ट ऑफ द ईयर, ऐसे ही गोल्ड कंपनी इश्यूड $100,000 1.6% कन्वर्टेबल लोन नोट्स। यार ये क्या कहना चाह रहा है, लोन नोट्स का मतलब क्या है, ये कहां पे चला गया, ये IFRS 9 में घुस गया। आप सोचे तो सही, हम कर क्या रहे, कंसोलिडेशन का क्वेश्चन, वो घुस का गया IFRS 9 के अंदर। कह रहे हैं कि फाइनेंशियल एसेट या फाइनेंशियल लाइबिलिटी, फाइनेंशियल लाइबिलिटी ऐसे ही, क्योंकि हम लोन नोट्स इश्यू और कन्वर्टेबल लोन नोट्स है, याद आ रहा है, कन्वर्टेबल लोन नोट एक ऐसा लोन नोट है दैट इज अ पोटेंशियल टू बी कन्वर्टेड इनटू ऑर्डिनरी शेयर्स। खैर बिल्कुल बिल्कुल, आगे चलते आगे चलते। कह रहे हैं कि हमने पार पे इश्यू कर दिया विद इंटरेस्ट रेट एनुअली इन एरियर्स। अच्छा बाय द वे ये 6% क्या, व्हाट इज दैट 6%? कूपन रेट। ये 6% आपके पास क्या है, दैट इज द कूपन रेट। अच्छा आगे क्या है, द इक्विवेलेंट रेट फॉर द नॉन कन्वर्टेबल लोन नोट इज 8%। What is that 8%? ये 8% क्या है? Effective rate. ये 8% आपके पास क्या दे रहा है? That is the effective rate. Gold has recorded the loan notes as a liability. Perfect है. लेकिन क्या कह रहा है? At its par value. किस पे रिकॉर्ड कर लिया है? यानी कि 1 lakh multiply by 100. सही कह रहा हूँ मैं? तो par value आई, उस गधे जंगली जाहिल ने उसको par value पे रिकॉर्ड किया। जंगली जाहिल क्यों कह रहा हूँ? सर कन्वर्टेबल बॉन्ड कभी भी पार वैल्यू पे लाइबिलिटी पे रिकॉर्ड, याद करें क्या करते थे हम उसको, बताएं क्या करते थे उसको, क्या करते थे हम? वेरी गुड, पहले हम उसके फ्यूचर कैश फ्लोस निकालते थे, याद आ रहे? फ्यूचर कैश फ्लोस निकालने के बाद फिर उसकी वो निकालते थे, वो क्या, प्रेजेंट वैल्यू करते थे। प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद इनिशियल लाइबिलिटी उसकी रिकॉर्ड होती थी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोस। तो यहां पर अपने पास एमसीक्यू के लिए एक लाइन लिखना चाहे तो लिख लें कि कन्वर्टेबल बॉन्ड की जो लाइबिलिटी है वो पार वैल्यू पर रिकॉर्ड हो सकता है। एग्जामिनर इसी के ऊपर एमसीक्यू बना के दे दे कि कन्वर्टेबल बॉन्ड्स आर इनिशियली रिकॉर्डेड एट इट्स पार वैल्यू, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स आर इनिशियली रिकॉर्डेड एट इट्स पार वैल्यू, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स कभी भी पार वैल्यू पर रिकॉर्ड नहीं होते, दीज आर रिकॉर्डेड इनिशियली रिकॉर्डेड एट इट्स प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोस। क्या मेरी बात सुन रही है, मैं क्या कह रहा हूँ? Convertible bonds are initially recorded as a liability at its present value of future cash flows. तो यहीं से हमें एक एमसीक्यू भी मिल गया, समझ ले। क्या मेरी बात समझ आ रही है? Convertible bonds are initially not recognized at its par value. Convertible bonds are not recognized, initially are not recognized at its par value. Instead, it is recognized at its present value of future cash flows. क्या मेरी बात सुन रही है? कि ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोस हम रिकॉर्ड करते हैं। प्यारे बच्चे, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स आर नॉट इनिशियली रिकॉग्नाइज्ड एट इट्स पार वैल्यू, are not initially recognized at its par value. Instead, it should be recognized at its present value of future cash flows. चले आगे, चले अब आगे चलते जरा। खैर इसने भंड तो मार दिया सर, अब करे क्या इसके अंदर, आगे क्या करे इसके अंदर, सुनेगा जरा आगे, एक और भंड सुने, इधर सुने।
एंड चार्ज द एनुअल 6% इंटरेस्ट टू द फाइनेंस कॉस्ट. यार ये असल जो हमारे काम की चीज है ना, इसको हम पिंक नहीं करेंगे, पिंक बहुत कुछ हो गया, येलो कलर. कह रहा है कि उसने इंटरेस्ट एक्सपेंस कैलकुलेट किया. पहले तो मुझे एक बात बताएं, जो पीएनएल में इंटरेस्ट हम चार्ज करते हैं वो कूपन वाला करते हैं इफेक्टिव वाला करते हैं? पहला पॉइंट इसका, इसने करा क्या है, इसने कूपन रेट पे इंटरेस्ट चार्ज कर दिया. इसका मतलब ये है कि पी कंपनी, सही कह रहा हूं मैं, क्योंकि ये सारा माल करा कहां पर, कहां पर हुआ ये सब? पी कंपनी के अकाउंट में हो रहा है. ऐसे ही इसका मतलब पी कंपनी की जो फाइनेंस कॉस्ट है, पी कंपनी की फाइनेंस कॉस्ट, ये फाइनेंस कॉस्ट पी कंपनी की बिल्कुल भी सही गलत रिकॉर्ड किया हुआ है. अंडर ओवर मुझे नहीं पता, लेकिन ये गलत रिकॉर्ड किया हुआ है, क्योंकि इसमें जो कूपन रेट पे इंटरेस्ट चार्ज किया हुआ है, जबकि इंटरेस्ट रेट किस पे चार्ज होना चाहिए? क्या मेरी बात सुन पा रही है? इसके अंदर वो टेबल बन के होता था, याद आ रहा है कुछ? इसका मतलब ये इसने ट्रीटमेंट गलत की हुई है. तो पता ये चला कि मुझे यहां पर पेरेंट कंपनी के अकाउंट्स की एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी. क्या करनी पड़ेगी? सर ये कंसोलिडेशन में फाइनल अकाउंट का फ्लेवर डाला हुआ उसने, बात सुन पा रही है इसके अंदर? यानी कि इसने करा क्या है भाई, मैं ऐसे ही कंसोलिडेट नहीं कर सकता. आपको क्या लगता है पी कंपनी की गलत फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सब्सिडरी के साथ मर्ज कर दूं? नहीं. क्या जमीर तुम्हारा गवारा करेगा? कभी भी नहीं करेगा. इसका मतलब तुम्हें पेरेंट कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पहले क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा. कैसे करेंगे देखेंगे इंशाल्लाह, देख करेंगे इंशाल्लाह. अच्छा उसके लिए मुझे आपको डिस्काउंट फैक्टर्स दे रहा है. क्या दे रहा है मुझे? अच्छा आपके डिस्काउंट फैक्टर थोड़ा सा कट हो रहा है गेस. ये जो आपके पास 0.747 है ना, इसके पीछे लिखा हुआ है 6%. क्या लिखा हुआ है? और इसी तरीके से ये 0.681 के पीछे लिखा हुआ है 8%. क्या लिखा हुआ है? बाकी नजर आ रहा है, बाकी फ्री नहीं हम लोग, ठीक है? तो ये आपको डिस्काउंट फैक्टर दिया. अभी हम देखते हैं डिस्काउंट फैक्टर क्यों दिए, उसका क्या काम है, वो सब देखेंगे भी हम, ठीक है? अभी हम पहले क्वेश्चन पूरा रीड कर रहे हैं कि क्या क्या एडजस्टमेंट है हमारे पास. खैर सेवेंथ, एट 30th September देर इज नो इंपेयरमेंट, गुडविल को इंपेयर नहीं हो रही. अच्छा और एट एडजस्टमेंट के अंदर प्रॉफिट अक्रू इवनली थ्रू आउट द ईयर, यानी कि अज्यूम करना है. क्या करना है कि एसोसिएट, सॉरी सब्सिडरी कंपनी के जो प्रॉफिट या रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस है वो हर महीने के, ऐसे ही. और ये ना भी लिखता तभी हमारी अजम्पशन यही रहती. अच्छा मगर इफेक्टिवली देखें तो इस पूरे क्वेश्चन के अंदर एडजस्टमेंट है कितनी, क्या मुझे बताएं? ये आठवीं एडजस्टमेंट किसी काम की है? किसी काम की नहीं है. सातवीं भी काम, मतलब काम की है कि नहीं लिखता तो ठीक है, इंपेयर नहीं होती, घर से तो लाने से रहे इंपेयरमेंट, ऐसे ही है ना. अच्छा अब इसके अलावा, अच्छा एक और आपस की बात अगर मैं कहूं तो ये थर्ड वाली एडजस्टमेंट के अंदर भी कोई रॉकेट साइंस, सही कह रहा हूं मैं? बता रहे उसके अंदर कि कंपनी जो है ना वो फेयर वैल्यू मेथड यूज करेगी. कौन सा मेथड यूज करेगी? इसमें क्या लिखा हुआ, मैंने अभी कट कर दिया है, इसमें लिखा हुआ था कि कंपनी फेयर वैल्यू मेथड यूज करेगी. कौन सा मेथड यूज करेगी? ठीक है, मतलब इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है. देखा जाए तो हमारे पास अल्टीमेटली वन वाली में भी सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहा है, वन वाली में भी सिर्फ क्या दे रहा है, रिटेन अर्निंग का ओपनिंग बैलेंस दे रहा है. सेकंड वाली एक एडजस्टमेंट हाँ ये है, थर्ड वाली यानी कि फोर्थ वाली एडजस्टमेंट है, फिफ्थ वाली एडजस्टमेंट एसोसिएट से रिलेटेड, और सिक्स वाली. यानी कि अल्टीमेटली देखा जाए तो इस 20 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर टोटल कितनी एडजस्टमेंट है? क्या मेरी बात सुन पा रही है इसके अंदर? अच्छा अब करना क्या सर, इतना बड़ा क्वेश्चन हमने रीड तो कर लिया, अब करना क्या इस क्वेश्चन के अंदर? तो आए जरा लेफ्ट साइड के ऊपर रिक्वायरमेंट को हम रीड करते हैं, रिक्वायरमेंट को रीड करते हैं. पहली रिक्वायरमेंट क्या कह रहा है, कैलकुलेट दी, यानी बैलेंस शीट दी नहीं लेकिन बैलेंस शीट की कुछ यादें इसने हमसे जरूर टेस्ट करवा ली, याद आ रहा है? यानी कि गुडविल कैलकुलेट करवा रहा है. कितने मार्क्स की गुडविल कैलकुलेट करवा रहा है? 6 मार्क्स की गुडविल कैलकुलेट करवा. क्या मेरी बात सुन पा रही है इसके अंदर? जी क्या मेरी बात सुन पा रही है? फिर दूसरी रिक्वायरमेंट के अंदर क्या कह रहा है, प्रिपेयर व्हाट, प्रिपेयर व्हाट, कंसोलिडेटेड पीएनएल, पीएनएल कंसोलिडेट करना फॉर 14 मार्क्स. क्या मेरी बात सुन पा रही है? All working should be done nearest to 1000. यानी कि आप 000s के अंदर वर्किंग शो कर सकते हैं, यानी कि आपको पूरा मिलियन लिखने की जरूरत नहीं है. यार जब इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं ना तो जो कह रहा है वो मान लो, अपनी होशियारी ना दिखाना. वैसे भी रिकमेंडेड यही है कि आप मिलियंस में वर्किंग ना करें, क्योंकि मैंने जीरो लगाने के अंदर ही आप रह जाएंगे, फिर वो आपको एक स्क्रीन पे काउंट करना पड़ेगा कितने जीरो हो गए, वो अजीब हसीयत है ना. रजिस्टर में तो फिर जीरो काउंट करना थोड़ा मुनासिब होता है. जी स्टार्ट करें क्वेश्चन, चलिए जरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जरा. अच्छा ये आपके पास जो क्वेश्चन है आपके पास जो एक्सेल की फाइल आ रही है यहाँ पर, ये एक्सेल की जो फाइल आ रही है, देखें
इसके अंदर जो आपके पास ऑप्शंस गिवन है ऊपर रिबन्स जो गिवन है ये लिमिटेड ऑप्शंस है. और टू बी वेरी ऑनेस्ट इट्स नॉट अ कर्स इट्स अ ब्लेसिंग इट्स अ ब्लेसिंग. बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर एक्सेल के लिमिटेड ऑप्शन है, तो मुझे बताएं आपको नॉर्मल एक्सेल वाले ऑप्शन चाहिए क्यों? आप कभी नॉर्मल एक्सेल के रिबन या उसके ऑप्शन को देखिए, उसमें आपके पास क्या दिया हुआ है? हेडिंग का स्टाइल दिया हुआ है उसके अंदर आपके पास, दिखा देता हूं आपको, बोल्ड इसमें भी है यार, क्या हो गया? अब आप यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे रिबन दिया हुआ है, यहाँ पे इंसर्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, इसके अंदर स्मार्ट आर्ट दिया हुआ है, शेप्स का ऑप्शन दिया हुआ है, इसके अंदर ग्राफ का ऑप्शन दिया हुआ है. इतना टाइम होगा आपके पास क्या अभी ग्राफ वगैरह बनाए इसके अंदर? इसके होम के टैब में आए, देखिए इंडेंट और ये सारी चीजें इसके अंदर, बोल्ड, हेडिंग, नेचुरल, कंडीशनल, फॉर्मेटिंग, कंडीशनल, मुझे बताए फाइंड, ये सब चीजों की जरूरत ही नहीं है. फॉर्मेट सेल, सेल की फॉर्मेटिंग करनी हो, कैसा दिखना चाहिए, क्या जरूरत ही नहीं है आपको ये नक्श निगारी करने की. इसका मतलब ये कि अगर ये सारे ऑप्शंस नहीं दिए हुए तो मेरे काम के भी नहीं है, पेपर खो जाए बहुत बड़ी बात है. तो यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए हुए रेलेवेंट टू दी पॉइंट ऑप्शंस दिए हुए, तो उसको आप मॉडिफाइड एक्सेल कहते हैं. क्या कहते हैं इसको हम? अच्छा है, ये काम का है, इसके अंदर हमें जो चीजें काम की वो उसके अंदर गिवन है, ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी. यहाँ तक क्लियर है इसके अंदर? चले खैर, अब आते हैं इस क्वेश्चन के अंदर. एक बात याद रखिएगा, फॉर्मेट क्या होना चाहिए, कि जो आपके फ्रंट वाला स्पेस है ना, ये पूरा मेन आंसर पे चलेगा, और जितनी भी वर्किंग्स हैं वो सारी राइट साइड पे चलेंगी. कहां पर चलेंगी? तो हम यहाँ पर पहले जो है यहाँ पर मेन आंसर यहाँ पर ड्राफ्ट करते हैं. पहली रिक्वायरमेंट हम करने जा रहे हैं, पहली रिक्वायरमेंट का नाम क्या है, क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं हम? गुडविल कैलकुलेट करने जा रहे हैं, गुडविल कैलकुलेट करने जा रहे हैं जी. गुडविल की वर्किंग, आंख बंद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर भी आपने आंख बंद कर दी तो आप लोग सो जाएंगे. तो गुडविल कैलकुलेट करने जा रहे हैं. अच्छा, जब मैं गुडविल कैलकुलेट करने जा रहा हूं, तो गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए, गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मेट बना लेते हैं. पहले बताया फॉर्मेट क्या है, नंबर वन सबसे पहले क्या आता है? इन्वेस्टमेंट इन सिल्वर, सिल्वर कंपनी, इन्वेस्टमेंट इन सिल्वर कंपनी, सिल्वर कंपनी, इन्वेस्टमेंट इन. अब देखिए ये ना एक सेल छुप गया. अब इसके लिए होता है कि एक शॉर्टकट की है, लेकिन शॉर्टकट की यहाँ पे नहीं चलेगी, आपने इसको डबल क्लिक करके यहाँ पे सेल को वाइड करना पड़ेगा. क्या मेरे पास अनुमारी है इसके अंदर? तो ये थोड़ी सी है इसके अंदर फॉरिक है. अच्छा मुझे बताएं, क्या क्वेश्चन के अंदर आपके पास डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट गिवन है? नहीं, मेरे पास क्वेश्चन के अंदर डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट गिवन नहीं. अच्छा, इन्वेस्टमेंट को कैलकुलेट करने के लिए इफ यू रिमेंबर, चार चीजें मैक्सिमम हो सकती है. नंबर वन कैश पे, नंबर टू डेफर्ड कंसिडरेशन, नंबर थ्री शेयर एक्सचेंज और कंटिजेंट कंसिडरेशन. ऐसा ही है. अभी फिलहाल यहाँ पर कितनी चीजें टेस्ट की गई? दो. नंबर वन शेयर एक्सचेंज और नंबर टू डेफर्ड कंसिडरेशन. कैश नहीं है इधर, कैश पे कर रहा है लेकिन वो कह रहा है एक साल के एंड में पे करेंगे, तो इसका मतलब ये दो चीजें यहाँ पर गिवन है. यहाँ तक क्लियर है इसके अंदर? अच्छा, अब हम चाहे तो यहाँ पे इसकी वर्किंग कर सकते हैं. इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए मैं राइट साइड पे चला गया, इन्वेस्टमेंट की वर्किंग कैलकुलेट कर रहा हूँ, वर्किंग कैलकुलेट कर रहा हूँ. वर्किंग वन का नाम दे दें आप, वर्किंग वन, इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं वर्किंग वन. अच्छा, अब आए जरा इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए. नंबर वन सबसे पहले आ रहा है शेयर एक्सचेंज, ऐसा ही है. चले शेयर एक्सचेंज की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, शेयर एक्सचेंज की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं. उसके लिए उसने क्या कहा था कि हमने एक फैक्टर यूज किया है, और मतलब फ्रैक्शन है. कह रहा है कि इश्यूड 3 new shares फॉर एवरी 5 shares, दिख रहा है? 3 new shares फॉर एवरी 5 shares, दिख रहा है? अच्छा, बाय द वे सब्सिडरी कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 16 million shares है. ऐसा ही है. अच्छा, 16 million, यानी कि अगर मैं यहां पर फॉर्मूला लगाऊं तो मेरे पास यहां पर इक्वल्स टू 16,000, मिलियन थाउजेंड में वर्किंग कर रहा हूं. ऐसा ही है, ऐसा ही है, 16,000. आपको थोड़ा सा विजिबिलिटी क्या, तो मैं साथ साथ रीड भी कर रहा हूं, डिक्टेट भी कर रहा हूं. 16,000, मुझे बताएं कितने परसेंट शेयर्स एक्वायर किए? 90%. कितने परसेंट शेयर्स एक्वायर किए? 90% शेयर, तो मल्टीप्लाई बाय 90 कर दिया. सही किया मैंने, मैंने 0.9 कर दिया, बात एक ही ना जन. सिक्सटीन थाउजेंड मल्टीप्लाई बाय 0.9, ऐसा ही है. अच्छा, ब्रैकेट क्लोज किया. इसके बाद अब मुझे पता है फ्रैक्शन क्या है, फ्रैक्शन क्या है? 3/5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 5, ऐसा ही है. फिर इसके बाद मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई बाय 8. यार ये 2.42 बाई डेफर्ड कंसिडरेशन की अमाउंट दे रहा है. एट द डेट ऑफ एक्विजिशन शेयर्स
in gold company and the silver company at a fair value of, यानी कि gold company की fair value 8 है और silver company की fair value कितनी है? 3.5. ऐसा ही है? मुझे बताएं इसको 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे या 8 से मल्टीप्लाई करेंगे? 8 से करेंगे. क्यों? क्योंकि क्योंकि पेरेंट कंपनी का शेयर कैपिटल चाहिए, पेरेंट कंपनी की आपके पास शेयर इश्योर है. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जी यहां तक क्लियर है? जी यहां तक क्लियर है? जी यहां तक क्लियर है? अच्छा, ये हमने क्या कर लिया, शेयर एक्सचेंज कैलकुलेट कर लिया, शेयर एक्सचेंज कैलकुलेट कर लिया. अच्छा, अभी फिलहाल हम बैलेंस शीट नहीं बना रहे, लेकिन याद करें शेयर एक्सचेंज की एडजस्टमेंट होती थी, हाँ, शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम. अगर कंपनी ने ना रिकॉर्ड किया हो तो हम बैलेंस शीट के अंदर उसका कैपिटल और प्रीमियम भी एडजस्ट करते, लेकिन पीएनएल के अंदर नहीं आ रहा तो अभी हम उसको इग्नोर कर रहे हैं फिलहाल. चले और बताए और क्या इसके बाद? डेफर्ड कंसिडरेशन. डेफर्ड कंसिडरेशन. अच्छा, डेफर्ड कंसिडरेशन के अंदर क्या कह रहा है? कह रहा है कि 2.42 पर शेयर एक्वायर्ड, नजर आ रहा है, यानी कि 2.42 पर शेयर. और बताए कितने शेयर एक्वायर किए, कितने शेयर एक्वायर किए? 90% शेयर. ऐसा ही है? चले आए जरा कैलकुलेट करते हैं. इक्वल्स टू ब्रैकेट ओपन 16 मिलियन, यानी कि 16,000 का कितना परसेंट? 90%. अच्छा, उसके ऊपर क्या कह रहा है कि 2.42 पर शेयर. ऐसा ही है? तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो 2.42 से. कैलकुलेशन समझ में आ रही है? जैसे ही मैंने 16,000 मल्टीप्लाई बाय 90% किया तो नंबर ऑफ शेयर्स एक्वायर्ड आ जाएंगे. उसको मल्टीप्लाई कर दिया 2.42 से पर शेयर, तो इसका मतलब ये आपके पास आ गया 3848. हाँ, फिर प्रेजेंट वैल्यू भी निकालें, क्योंकि ये आपके पास टोटल आ गया इसके अंदर. इसी के अंदर मल्टीप्लाई करते थे, डिस्काउंट फैक्टर दिया हुआ ऑलरेडी. कितना दिया हुआ है? 0.9091. ऐसा ही है? 0.16,000 को पहले हम 0.9 से क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि हमने 90% शेयर्स एक्वायर किए. फिर उसके बाद हमने 2.42 से मल्टीप्लाई कर दिया. क्यों? क्योंकि 2.42 पर शेयर था. फिर उसके बाद हमने ये जो अमाउंट आएगी ना, ये फ्यूचर वैल्यू होगी. कौन सी वैल्यू होगी? क्योंकि 2.42 पर शेयर आपने ईयर एंड पे करने हैं, तो उसको आज रिकॉर्ड करने के लिए प्रेजेंट वैल्यू चाहिए. तो प्रेजेंट वैल्यू के लिए मेरे पास डिस्काउंट फैक्टर दिया हुआ 0.901, तो हमने उससे मल्टीप्लाई कर दिया. मल्टीप्लाई करके आपके पास ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डेफर्ड कंसिडरेशन आ गई. क्या ही बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब इसके बाद और कोई इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हमारे पास गिवन नहीं है, इसको सम कर लेते जरा. वन डबल जीरो एट डबल जीरो, ये हमारे पास क्या आ गया? जी ये लेकिन ये आखिर में कीजिएगा सब, यानी कि आखिर में जितने भी है ना वैल्यूज को राउंड ऑफ करने के लिए, यानी कि आपके पास जरूरी नहीं है, ऐसे भी चला तो कोई इशू नहीं है, टाइम बचे तो आखिर में कर लेना, वरना जरूरी नहीं है. अच्छा, अब यहाँ पर देखिए, ये आपके पास आ गया इन्वेस्टमेंट की वैल्यू. इन्वेस्टमेंट की वैल्यू का सेल नंबर देखिए,
सेल नंबर नोट कर ले कहां पर है ये इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कहां पर है I7 के अंदर, तो I7 हम यहां पे जाएंगे इक्वल्स टू I7, तो ये ऑटोमेटिकली वैल्यूज वहां से उठा लेगा। यहां तक क्लियर है इसके अंदर? अच्छा, ये जो राउंडिंग ऑफ वाले मामला था ये बिल्कुल एंड में कीजिएगा, अगर आपने ना पसंद आ रहा हो, क्यूट ना लग रहा हो, डेसिमल अच्छे ना लग रहे तो ये सब एंड में कीजिएगा, स्टार्टिंग में इसके ऊपर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। चले, इन्वेस्टमेंट इन सिल्वर कंपनी, इसके बाद नेक्स्ट क्या आता है? इसके बाद नेक्स्ट क्या आता है? फेयर वैल्यू ऑफ NCI, ऐसा ही है, फेयर वैल्यू ऑफ NCI एट द डेट ऑफ एक्विजिशन। अच्छा, जो कि हमारे पास अभी फिलहाल डायरेक्टली क्वेश्चन के अंदर गिवेन नहीं है, नहीं है गिवेन, कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा? अच्छा, मुझे बताएं कि नंबर ऑफ एनसीआई किसको कहते हैं, वो शेयर हमने एक्वायर। अच्छा, मुझे बताओ कि हमने अगर टोटल 16 मिलियन शेयर है, कितने मिलियन शेयर है, 16 मिलियन में से हमने कितने परसेंट शेयर एक्वायर नहीं किए? 10%, ऐसा ही है, तो 16 मिलियन का 10% लगाया 1600, और उसके बाद उसके पर शेयर की पार वैल्यू सब्सिडरी के 3.5, बिल्कुल 3.5, क्या ये बात समझ आ रही है? देखिए, याद रखिएगा, फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई का मतलब क्या है कि सब्सिडरी का वो शेयर हमने एक्वायर, उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है, तो उसकी मार्केट वैल्यू 3.5 पर शेयर है, तो 1600 मल्टीप्लाई बाय 3.5, तो ये आपके पास क्या गया, दैट इज द फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई। क्या मेरी बात सुन आ रही है? चले, इसके बाद इसका टोटल कर लेते हैं, सम कर लेते हैं, तो ये आपके पास यहां पर आ गए टोटल। अब इसमें से लेस करेंगे, क्या लेस करेंगे हम? फेयर वैल्यू ऑफ व्हाट? फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स, किसके नेट एसेट्स? ऑफ सिल्वर कंपनी के सिल्वर एट द डेट ऑफ एक्विजिशन, एट द डेट ऑफ एक्विजिशन, जिसके लिए हमें वर्किंग करनी पड़ेगी। यस सर, वर्किंग टू। अच्छा, वर्किंग टू हम यहाँ पे करते थे नेट एसेट्स की, याद आ रहा है? नेट एसेट्स ऑफ किसके? यार थोड़ा सा कट रहा, हो सकता है कुछ? चल, जज़ाकअल्लाह। नेट एसेट्स ऑफ सिल्वर कंपनी। अच्छा, वैसे हम तीन कॉलम में काम करते थे, याद आ रहा है? कौन कौन से? एट रिपोर्टिंग, एट एक्विजिशन, और लेकिन अभी फिलहाल हमें तीन कॉलम में काम करने की जरूरत क्यों यार? हमें बैलेंस शीट थोड़ी बनानी है, मुझे सिर्फ इन्वेस्ट, मुझे गुडविल कैलकुलेट करने के लिए, गुडविल कैलकुलेट करने के लिए सिर्फ एक कॉलम की जरूरत है। कौन सी वाली? एट एक्विजिशन। अरे तेल लेने गया, रिपोर्टिंग पे क्या नेट एसेट्स है, पोस्ट में क्या है, मुझे क्या करना है? ये तो तब जरूरत पड़ती जब हम क्या बना रहे होते हैं, बैलेंस शीट। अभी जब जरूरत ही नहीं है तो इतना सोचने की जरूरत ही नहीं है। हम यहाँ पे लिख देते हैं एट एक्विजिशन डायरेक्टली, क्या लिख देते हैं हम? और याद रखिए कि नेट एसेट्स का मतलब कल भी था, और क्या 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 मतलब है जी, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व, ऐसा ही है। चले, आए जरा हम यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं शेयर कैपिटल। मुझे बताएं सब्सिडरी का टोटल शेयर कैपिटल कितना है? 16 मिलियन, क्योंकि 16,000 मल्टीप्लाई बाय $1 इज द पावर वैल्यू, सही कह रहा हूं मैं? याद रखिएगा, जो 16 मिलियन क्वेश्चन में दिया हुआ है दैट इज द नंबर ऑफ शेयर्स, और $1 से जब उसको मल्टीप्लाई किया तो 16,000 ही आ गया, सही है? अच्छा, फिर इसके बाद कोई और एडजस्टमेंट है? कोई और एडजस्टमेंट है रिटेन अर्निंग के अलावा? और कोई एडजस्टमेंट? रीवैल्यूएशन सरप्लस, याद आ रहा है भाई? जिस फॉर्मेट में पहले करते थे उसी फॉर्मेट में करेंगे ना। यहाँ पे देखिए, पहली एडजस्टमेंट दिख रही है, सेकेंड वाली देखिए जरा, कह रहा है एट द डेट ऑफ एक्विजिशन द फेयर वैल्यू ऑफ द सिल्वर एसेट्स वर इक्वल टू द कैरिंग आउट अमाउंट एक्सेप्ट फॉर द टू आइटम्स। नंबर वन कह रहा है एन आइटम ऑफ द प्लांट हैड अ फेयर वैल्यू ऑफ 26.6 मिलियन अबव इट्स कैरिंग अमाउंट, क्या दे रहा है ये? रीवैल्यूएशन सरप्लस आपके पास दे रहा है, ऐसा ही है। द रिमेनिंग लाइफ ऑफ द प्लांट एट द डेट ऑफ एक्विजिशन वाज 3 इयर्स, इसका मतलब ये है कि एट द डेट ऑफ एक्विजिशन हमें रीवैल्यूएशन सरप्लस की एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो आए जरा रीवैल्यूएशन सरप्लस रिकॉर्ड करते हैं जरा, रीवैल्यूएशन सरप्लस कितना रिकॉर्ड करेंगे? 2600, ऐसे ही है। अच्छा, एक और भी एडजस्टमेंट दे रहे हैं, देखो मैंने कहा था कि नेट एसेट्स में चार एडजस्टमेंट होंगी मैक्सिमम, रीवैल्यूएशन सरप्लस नंबर टू इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल, नंबर थ्री कंटिजेंट लायबिलिटी, नंबर फोर इन्वेंटरी, क्या मेरी बात समझ आ रही है इसके अंदर? अच्छा, इसका मतलब ये कि और दूसरी एडजस्टमेंट है? यस सर, इस दफा एडजस्टमेंट दे रहा है, लेकिन इस दफा ये इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल की एडजस्टमेंट नहीं है, किसकी एडजस्टमेंट है ये?
contingent liability is no more contingent, it will be treated as what? Actual liability. Provision या actual liability. सही कह रहा हूँ मैं? अच्छा by the way, ये provision मेरे net assets को बढ़ाएगा या कम करेगा? कम करेगा. इसका मतलब ये plus होगा या minus होगा? Minus होगा. तो minus कितना minus हो रहा है? 850. क्या मेरी बात सुनवा रही है? जी यहाँ तक क्लियर है? हेलो. तो 850 हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इसके अंदर से माइनस कर दिया. जी यहाँ तक क्लियर है? अच्छा अब सुनिएगा जरा, ये हमने कर दिया इसके अंदर. अच्छा और क्या था इसके अंदर? फिर हम रिटेन अर्निंग लेते थे. अबे रिटेन अर्निंग तो ले ले पहले, उसमें से एडजस्ट करते थे ना डेप्रिसिएशन. रिटेन अर्निंग. अच्छा रिटेन अर्निंग एट द डेट ऑफ एक्विजिशन, क्या क्वेश्चन के अंदर गिवन है? नहीं दिया हुआ सर, ये लिखा हुआ है. हाँ देख ये कब का लिखा हुआ है, देख अंधे देख कब का लिखा हुआ है. ये रिपोर्टिंग में नहीं है, सही से देख. ओपनिंग बैलेंस है भाई. तीन डेट्स हैं यहाँ पर, तीन डेट्स हैं. तीन डेट्स का मतलब ये वाली डेट्स नहीं है, खजूर वाली की बात नहीं कर रहा मैं, खजूर वाली की बात नहीं कर रहा. एक ओपनिंग डेट है, कौन सी वाली डेट है? एक है एक्विजिशन डेट और एक है रिपोर्टिंग डेट. है कोई जो मुझे बता सके ओपनिंग डेट क्या है? 1st October. एक्विजिशन डेट क्या है? 1st January. रिपोर्टिंग डेट क्या है? 31st December. डेट्स का ख्याल रखना है आपने. 30th September, सॉरी. अच्छा 30th September, सॉरी. हाँ डेट स्लिप हो गई. अच्छा सुने यार. अच्छा सुने जरा. अब मेरे पास रिटेन अर्निंग एट द डेट ऑफ एक्विजिशन गिवन, मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा ऐसा ही है. अच्छा अब ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, याद करें. रिटेन अर्निंग एट द डेट ऑफ एक्विजिशन दो फॉर्मूलाज थे, एक ओपनिंग से चलता था और एक क्लोजिंग से चलता था. यहाँ पर कौन सा वाला अप्लाई होगा? यहाँ पर क्लोजिंग वाला तुम कर ही नहीं सकते क्योंकि रिटेन अर्निंग का क्लोजिंग बैलेंस गिवन. तो इसका मतलब ये है कि अगर मुझे रिटेन अर्निंग एट द डेट ऑफ एक्विजिशन पे पहुंचना है तो मुझे रिटेन अर्निंग का ओपनिंग बैलेंस होना चाहिए. क्या मुझे रिटेन अर्निंग का ओपनिंग बैलेंस पता है कितना है? 5600. ऐसे ही है 1000. हाँ ना लिख दिया ना 56,000. अच्छा अब इसके अंदर मुझे एक बात बताएं, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट लू या प्री एक्विजिशन? प्री एक्विजिशन. ऐसा ही है ना. तो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे कौन सा? प्री एक्विजिशन प्रॉफिट. लेकिन यार प्री एक्विजिशन प्रॉफिट के लिए पता तो हो कि प्री एक्विजिशन के मंथ्स कितने हैं? कितने मंथ्स हैं? ओहो हाँ, प्री एक्विजिशन का मतलब एक्विजिशन से पहले 3 months. ऐसे ही दैट इज अक्टूबर नवंबर दिसंबर. लेकिन सर इसका प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना है? 9920. क्या मेरी बात सुन आ रही है? तो इसका मतलब यह है कि हम यहाँ पर 9920 कितने मंथ्स का लेंगे? मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय. क्या मेरी बात समझ आ रही है? इन दोनों को माइनस करो प्लस करो? प्लस करेंगे. क्यों? क्योंकि ओपनिंग के अंदर जब प्री एक्विजिशन प्रॉफिट को प्लस कर दिया तो हमारे पास बैलेंस आ गया रिटेन अर्निंग एट द डेट ऑफ. क्या मेरी बात समझ आ रही है? सेल नंबर नोट करें क्या है? L13. ऐसा ही है जी. यहां तक क्लियर है इसके अंदर? अच्छा रिटेन अर्निंग एट द डेट ऑफ एक्विजिशन हमारे पास आ गया. अच्छा और कोई एडजस्टमेंट यार? ये कब से कह रहा है डेप्रिसिएशन पीछे पड़ा हुआ, अल्लाह माफ करे. ले भाई लिख दिया, लेकिन मुझे एक बात बताइए, लिखने की जरूरत है मुझे? क्यों सर? ये फेयर वैल्यू डेप्रिसिएशन, ये यूआरपी, ये इंपेयरमेंट लॉस, ये सारी वो एडजस्टमेंट्स हैं जो सारी रिपोर्टिंग पे होती है. कहां पर होती है? बात मेरी बात समझ आ रही है इसके अंदर? इसका मतलब मुझे यहाँ पर इसको फिलहाल अकाउंट फॉर करने की जरूरत नहीं है. याद करें, आंख बंद करके याद करें नेट एसेट्स की वर्किंग को. जितनी भी फेयर वैल्यू डेप्रिसिएशन हो, इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल की एमोर्टाइजेशन हो, या एक्सेस डेप्रिसिएशन हो, या अनरियलाइज्ड प्रॉफिट हो, ये सब कहां पर एडजस्ट होता है? रिपोर्टिंग के कॉलम. क्या मेरी बात सुन आ रही है इसके अंदर? तो उसका मतलब मुझे यहाँ पर अभी फिलहाल इसको लिखने की जरूरत नहीं है. हमसे बात समझ आ रही है? आपकी इजाजत से मैंने इसको डिलीट किया, क्या आपने इसको कबूल किया? मैंने आपकी इजाजत से इस डेप्रिसिएशन को यहाँ से रिमूव किया, क्या आपने इसको कबूल किया? क्या मैंने आपकी इजाजत से फेयर वैल्यू डेप्रिसिएशन को यहाँ से रिमूव किया, क्या आपने इसको कबूल किया? भाई तू मुझे प्रोफेशनल मत समझियो, ऐसा ना समझियो कि मेरा कोई काम ऐसा.
तेरा भाई टैलेंटेड आदमी है, रेडी ठेला और निकाह नामा तो तुझे पता है अल्लाह ताला ने शबाद भी ऐसी दी। खैर चले, अबे वो सब शबाहत जी। अच्छा सुने जरा, एक्विजिशन टोटल करते जरा, इसका सम का फॉर्मूला लगाते जरा, और कोई एडजस्टमेंट रह तो नहीं गई है? ये आपके पास क्या गया, दैट इज दी नेट एसेट्स एट, अबे तू कहां से आ रहा है माफ कर यार जी, याद है प्लीज देखिए नोट करें, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? नेट एसेट्स एट एक्विजिशन, नेट एसेट्स एट एक्विजिशन जी याद है, क्लियर है? अच्छा अब ये नेट एसेट्स एट द डेट ऑफ एक्विजिशन गुडविल में ट्रांसफर कर रहे हैं, इसका जो सेल नंबर आ रहा है I-17, 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 इधर आए जरा देखें। अच्छा नेट एसेट्स बाय द वे माइनस होते हैं, ऐसा ही है? तो उसके लिए माइनस मल्टीप्लाई बाय I-17, तुम्हारे मैंने किस तरीके से लिंक किया है, इक्वल्स टू, क्योंकि मुझे माइनस के साइन के साथ चाहिए तो माइनस ब्रैकेट ओपन और मैंने उस सेल को लिंक कर दिया, तो ऑटोमेटिकली जो वैल्यू होगी माइनस के साइन के साथ आ जाएगी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि मुझे यहां पर चाहिए नेट एसेट्स एट द डेट ऑफ एक्विजिशन, ऐसा ही है, लेकिन वो माइनस फिगर में चाहिए क्योंकि मुझे उसको माइनस करना है ना, तो मैं करूंगा कि इक्वल्स टू माइनस का साइन प्रेस किया और मैंने ब्रैकेट ओपन करके I-17 सेल को लिंक कर दिया, तो ऑटोमेटिकली होगा क्या, वो वैल्यू वहां से उठाएगा और नेगेटिव फिगर आपके साथ दे देगा। यहां तक क्लियर है इसके अंदर? अच्छा अब इसको माइनस कर देते हैं, तो उसके लिए मैं डायरेक्ट सम का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। नहीं क्यों और कर दें, यहां तक क्लियर है इसके अंदर? तो ये हमने क्या कर दिया, 30170, ये हमारे पास क्या आ गई, ये हमारे पास क्या आ गई, गुडविल, और ये कब आ गई, गुडविल एट एक्विजिशन, ऐसा ही है। अच्छा अभी फिलहाल हमारे पास कोई भी इंपेयरमेंट लॉस तो ये आपके पास गुडविल एट द डेट ऑफ एक्विजिशन, गुडविल एट द डेट ऑफ रिपोर्टिंग होगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है जी? ये सिक्स पॉइंट्स की, हाँ एक्विजिशन ही लेने दे, और अगर करना चाहे प्रेजेंटेशन वाइज तो उसके अंदर इंपेयरमेंट लॉस देख के जीरो कर दें, कर दें। अच्छा इंपेयरमेंट लॉस आपके पास जीरो है, तो गुडविल एट रिपोर्टिंग, जी क्या ही बात समझ आ रही है जी, क्लियर है आता? अच्छा अब आते हैं जरा मेन रिक्वायरमेंट के ऊपर, अब इसकी मेन रिक्वायरमेंट है कंसोलिडेटेड पीएनएल, पीएनएल को कंसोलिडेट करना है, लेकिन पीएनएल को कंसोलिडेट करने के लिए कुछ एडजस्टमेंट्स हमें करनी पड़ेंगे, ऐसा ही? चले वो एडजस्टमेंट्स देख लेते हैं जरा सबसे पहले। अच्छा ये तो आपने यहाँ पे देख लिया इसके अंदर, अच्छा इसका डेप्रिसिएशन क्या मुझे जरूरत पड़ेगी, क्या मुझे इसके डेप्रिसिएशन की जरूरत पड़ेगी? यस सर, तो जब हम कॉस्ट ऑफ सेल में जाएंगे तो उसको वहां पे देख लेंगे, डायरेक्ट वहीं कैलकुलेट कर लेंगे। अच्छा इसके अलावा कंटिजेंट लायबिलिटी की मुझे फिलहाल कोई जरूरत नहीं है, इसकी नेट एसेट्स में जरूरत ही हमने कर लिया, इसका कोई डेप्रिसिएशन नहीं निकलता, कोई इसके एडजस्टमेंट नहीं है हमारे पास इसको, ठीक है सर, स्ट्राइक थ्रू दिस इज नॉट ओके। अच्छा इसी तरीके से कंपनी ने इनकॉर्पोरेट नहीं किया, इस स्टेटमेंट को भी स्ट्राइक थ्रू कर देते हैं, इसकी भी जरूरत नहीं है हमारे पास। चले अब आगे चलते हैं जरा इसके अंदर, अब यहां पर आ रही है इंट्रा सेल्स की एडजस्टमेंट, आए जरा इसको इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं पहले। कह रहा है कि गोल्ड ने सिल्वर को माल बेचा है, ऐसा ही है? गोल्ड ने सिल्वर को माल बेचा, इसका मतलब पेरेंट टू सब्सिडियरी है, सब्सिडियरी टू पेरेंट है, पेरेंट टू सब्सिडियरी है, तो आए जरा वर्किंग फ्री इंट्रा ट्रांजेक्शन या इंट्रा ग्रुप ट्रेडिंग देख लेते हैं जरा। इंट्रा ग्रुप ट्रेडिंग, पहले तो मुझे बताएं इंट्रा ग्रुप ट्रेडिंग, जब पेरेंट सब्सिडियरी या सब्सिडियरी पेरेंट को माल बेचती है तो सबसे पहले तो इंट्रा सेल्स और परचेजेस को रिमूव करते हैं, है कोई जो मुझे बता सके कि इंट्रा सेल्स कितनी है, इंट्रा सेल्स कितनी है, 600 पूरा पर मंथ है ये, तो 600 मल्टीप्लाई बाय 9 months, तो इसका मतलब दैट इज 5400, सही है? और सेम अमाउंट विद इंट्रा सेल्स के साथ इंट्रा परचेजेस होगी एंड दिस शुड बी रिमूव, तो इसका मतलब इंट्रा सेल्स और परचेजेस की अमाउंट हमारे पास यहां पर आ गई।
अच्छा अब इसके बाद यूआरपी एलिमिनेट करना होता है, यूआरपी के लिए अनसोल्ड गुड्स मेरे पास डायरेक्टली गिवन है, बोले यूआरपी के लिए अनसोल्ड गुड्स कितने गिवन है, अनसोल्ड गुड्स कितने गिवन है, 1.2 मिलियन 1200 है, मैं आपको बता देता हूं यहां तक क्लियर, इसके अंदर ये रहे ना 1200 दिए हुए ना, ये रहे नहीं दिख रहे, अबे लेकिन यार ये मैं फिर वर्किंग कहाँ करूंगा, मुझे बताने ये कहाँ ऐसे ही कर लेते तुम्हारे, ठीक है सर मेरे लिए अजियत बन जाएगा, चलो खैर है आप लोग खुश रहेगा, अब सही है, चले आप सुनिए जरा, 1.2 मिलियन सुनिएगा जरा कहाँ गया, ये रहा 1.2 मिलियन इन्वेंट्री अनसोल्ड ऐसा ही है, ये 1200 आपके पास आ गया। अच्छा मुझे बताएं इसका मार्जिन है, मार्कअप है, मार्कअप है, तो मुझे बताएं कि यूआरपी के अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, 1200 मल्टीप्लाई बाय व्हाट, 25 डिवाइडेड बाय व्हाट, क्या मेरे पास समझ आ रही है, तो 240 आपके पास क्या गया, दैट इज दी यूआरपी। अच्छा एक बात याद रखिएगा, ये यूआरपी पेरेंट और सब्सिडियरी का है, किसका है, तो उसके ऊपर मुझे शेयर अप्लाई करने की जरूरत, अगर एसोसिएट का होता तो याद आ रहा है शेयर ऑफ यूआरपी आता है, बस याद रखना आपने, ये यूआरपी एलिमिनेट करना है, और यूआरपी के बारे में आईएफआरएस क्या कहता है, यूआरपी वहां से इसको एलिमिनेट करना है। अच्छा बाय द वे ये पीएनएल में कहां मिलेगा, सेलिंग कंपनी की सेल्स में और परचेसिंग कंपनी की, ऐसा ही है, और पेरेंट यानी कि जो सेलिंग कंपनी है उसकी सेल में से ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा जब हम इंट्रा सेल्स को एलिमिनेट करेंगे, ऐसा ही है, तो अल्टीमेटली मुझे फिर परचेसिंग कंपनी की इन्वेंटरी में से इसको अपडेट करना पड़ेगा, बिल्कुल चले आगे। अच्छा अब आगे चलते जरा, फिर एक और आ रही है फिफ्थ एडजस्टमेंट, गोल्ड कंपनीज इन्वेस्टमेंट इनकम इज अ डिविडेंड रिसीव फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, देखो मैंने एक बात कही थी कि अगर एसोसिएट से कोई डिविडेंड मिल रहा है तो उसकी एंट्री क्या बनती है, इन्वेस्टमेंट इनकम डेबिट, इन्वेस्टमेंट इनकम डेबिट और इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट क्रेडिट, अभी फिलहाल हमें इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट कैलकुलेट नहीं करना, सिर्फ करेंगे क्या कि जो पेरेंट कंपनी की इन्वेस्टमेंट इनकम आ रही है, पेरेंट कंपनी की इन्वेस्टमेंट इनकम कितनी आ रही है, 800, ये पूरी हम एलिमिनेट कर देंगे, और ये क्यों एलिमिनेट करते हैं, मैंने इसका आपको रीजन बताया था कि जब हम शेयर ऑफ प्रॉफिट इन एसोसिएट कैलकुलेट करते हैं ना, तो उसमें एसोसिएट कंपनी का टोटल प्रॉफिट ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, तो उसमें इनडायरेक्टली डिविडेंड का अमाउंट भी शामिल है, तो उस डुप्लीकेशन को खत्म करने के लिए हम इन्वेस्टमेंट इनकम में से ये अमाउंट को माइनस कर देते हैं, यहां तक क्लियर है इसके अंदर, बिल्कुल सोफिया की वर्किंग अभी हमें करनी नहीं है, तो हम सोफिया के बारे में सोच भी नहीं रहे, व्हाटएवर आईडीसी सुने आई डोंट केयर। अच्छा सुने, हाँ सुने इधर, अच्छा इसका मतलब एक तो ये हमने देख लिया, अच्छा लेकिन एक और चीज है, कह रहे हैं कि हाँ सोफिया है चाहिए, सॉरी सॉरी सोफिया चाहिए हमें, सोफिया की जरूरत है हमें यहाँ पे, यहाँ पे कह रहा है कि प्रॉफिट ऑफ एसोसिएट कितना दे रहा है, 3 मिलियन दे रहा है, और 3 मिलियन का कितना परसेंट लेंगे हम, 40%, तो ये आपके पास आ जाएगा शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड एसोसिएट, सही कह रहा हूं मैं। अच्छा भाई तो शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड एसोसिएट में टोटल 3 चीज आती थी, इफ यू रिमेंबर, शेयर ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नंबर 2 इंपेयरमेंट लॉस, नंबर 3 यूआरपी, दैट्स इट। हाँ वो अगर वो अभी है नहीं तो छोड़ देना, क्यों बेकार में अपने दिमाग पे जोर डाल रहे हैं, यहाँ तक क्लियर इसके अंदर। अच्छा अब शेयर ऑफ प्रॉफिट भी कैलकुलेट कर ही लेते हैं, जब पढ़ ही लिया इसको, शेयर ऑफ प्रॉफिट इन एसोसिएट, ऐसे ही शेयर ऑफ प्रॉफिट इन एसोसिएट, मुझे बताएं कि टोटल प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना है, और याद रखिएगा ये सेवरल इयर्स अगो इन्होंने एक्वायर किया था, इसका मतलब ये है कि मुझे इसके प्रॉफिट को प्रोपोर्शनेट करने की जरूरत, अगर ये इसी साल के कुछ महीनों में किया होता तो फिर हम इसको प्रोपोर्शनेट करते हैं, क्या ये बात समझ में आ रही है, इसका कितना परसेंट डायरेक्टली 40%, तो ये हमारे पास सोफिया भी आ गई जी, क्योंकि इसमें यूआरपी नहीं है ना, एसोसिएट कंपनी का यूआरपी नहीं है, एसोसिएट कंपनी की इन्वेस्टमेंट इंपेयर भी नहीं हो रही, तो टोटल आती ही 3 चीजें इसके अंदर, वो इन्वेस्टमेंट ईआ में आता है वो जी, क्या मेरी बात समझ में आ रही है जी, यहां तक क्लियर है,
चले एक काम करते हैं, इस इंफॉर्मेशन को भी हम स्ट्राइक थ्रू कर देते हैं। अच्छा अब आते हैं जरा मेन एडजस्टमेंट और लास्ट एडजस्टमेंट, फिर हम इसके बाद पीएनएल को कंसोलिडेट करने के लिए अहल हो जाएंगे, कह रहे हैं यानी कि लायक हो जाएंगे, यानी कि एलिजिबल हो जाएंगे। ऑन 1 अक्टूबर कह रहे हैं साल के शुरू में गोल्ड कंपनी ने, और याद रखिएगा अगर हमने सब्सिडरी को मिड ईयर में एक्वायर किया ना, तो एक बात याद रखिएगा हम सब्सिडरी कंपनी के रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस को प्रोपोर्शनेट करते हैं, पेरेंट कंपनी के रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस को कभी भी प्रोपोर्शनेट नहीं करते। इसका मतलब यह है कि ये गोल्ड कंपनी के अकाउंट्स में एडजस्टमेंट होने जा रही है। अच्छा बाय द वे क्या कह रहा है कि 1 लाख के हमने कन्वर्टेबल बॉन्ड्स इश्यू किए एट द रेट ऑफ 100 एट पार। अब मुझे बताया कन्वर्टेबल बॉन्ड जब हम क्वेश्चन करते हैं इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होता है तो क्या पार वैल्यू अप्लाई करते हैं? अरे दादा पहले तो तुम्हें यहां पर उसकी इनिशियल लाइबिलिटी कैलकुलेट करनी पड़ती है, सही कह रहा हूं मैं? और इनिशियल लाइबिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, इनिशियल लाइबिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए हम बिल्कुल पहले फ्यूचर कैश फ्लोज निकालने पड़ते हैं, याद आ रहा है? अच्छा अब सुनिएगा जरा फ्यूचर कैश फ्लोज क्या निकलेंगे। एक नई चीज मुझे यहाँ पे सिखानी है वो ये है वर्किंग फोर, हम यहाँ पे करने क्या जा रहे हैं कन्वर्टेबल बॉन्ड की वर्किंग करने जा रहे हैं, कन्वर्टेबल लोन की वर्किंग करने जा रहे हैं। अच्छा अब कन्वर्टेबल लोन की वर्किंग कैसे करेंगे, उसके लिए पहले मुझे चाहिए ईयर्स, मुझे बताएं कितने ईयर्स हैं, कितने ईयर्स हैं? 5 ईयर्स है ऐसा ही है, 1 2 3 5 बस ऐसा ही है। फिर इसके बाद हमें चाहिए फ्यूचर कैश फ्लोज, याद आ रहा है? अच्छा फ्यूचर कैश फ्लोज हमेशा कैलकुलेट करते थे यूजिंग द पार वैल्यू, रिमेम्बर? ऐसा ही है, मतलब कूपन रेट अप्लाई करते थे ना, कूपन रेट किस पे अप्लाई होता है? पार वैल्यू के होता है। अच्छा अब पार वैल्यू, हाँ ठीक है कोई मसला नहीं, मुझे बताएं कि यहां पर आपके पास 10 100,000 है ऐसा ही है, मल्टीप्लाई बाय पार वैल्यू 100 और उसके ऊपर कूपन रेट कितना परसेंट है, सॉरी 6% ऐसा ही है, तो ये हमारे पास 600 ये आ गया कूपन अमाउंट ऐसा ही है, और हर साल ये अमाउंट पे होगा, बोलो ना आखिरी साल भी यही अमाउंट पे होगा? नहीं, आखिरी साल आपके पास पे होगा दैट इज 10,000, क्या मेरी बात सुन आ रही है? ऐसा ही है, क्योंकि लास्ट ईयर दो वैल्यूज पे होंगी, एक तो आपकी इन्वेस्टेड अमाउंट और दूसरा कूपन अमाउंट, फिर हम इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते थे, रिमेम्बर? अब साला यहाँ पे प्रॉब्लम बताया गया, यहाँ पे डिस्काउंट फैक्टर दिया हुआ बड़ी बदतमीजी से, किस तरीके से देखो अब वहां पे क्या कह रहा है, सुनेगा जरा, एक दे रहा है डिस्काउंट फैक्टर, क्या दे रहा है, और एक दे रहा है एनुइटी फैक्टर, पहले इन दोनों में तमीज करना सीखे। एनुइटी फैक्टर क्या होता है जी, सॉरी 600 वाला क्या है, देखिए जब हम कोई कन्वर्टेबल बॉन्ड इश्यू करते हैं ना तो उसकी इनिशियल लायबिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए हमने स्टेप्स देखे थे। स्टेप नंबर 1 कैलकुलेट द फ्यूचर कैश फ्लोस, कैलकुलेट दी कि आपके फ्यूचर कैश फ्लोस क्या होंगे और कंपनी के फ्यूचर कैश फ्लोस क्या होंगे, यानी कि कंपनी जो फ्यूचर के अंदर अमाउंट पे करेगी, कंपनी जो फ्यूचर में अमाउंट पे करेगी और कंपनी फ्यूचर में जो अमाउंट पे करती है दैट इज द कूपन अमाउंट, क्या पे करती है? कूपन अमाउंट। तो कंपनी का कूपन अमाउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, कूपन अमाउंट कैलकुलेट किया जाता है पार वैल्यू पे, किस पे कैलकुलेट किया जाता है? तो उसका मतलब यह है कि जो आपके पास पार वैल्यू है दैट इज 100 मल्टीप्लाई बाय 100, आपके पास एक अमाउंट आ गई पार वैल्यू दैट इज 10,000 और उसके ऊपर आपने लगाया दैट इज 6% दैट इज द कूपन रेट, तो ये आपके पास आ गई दैट इज द कूपन रेट या कूपन अमाउंट, कि ये 600 हर साल आपने पे करना है, कितने सालों तक पे करना है? 5 साल, लेकिन 5वें साल में ये 600 के साथ साथ हमें 10,000 जो इन्वेस्टेड अमाउंट थी वो भी पे करनी पड़ेगी दैट इज 10,600। यहां तक क्लियर है इसके अंदर? अच्छा सर ये हमने फ्यूचर कैश फ्लोस हमने कैलकुलेट कर ली, अब करना क्या है सर, इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है, क्या कैलकुलेट करनी है? अब देखिए प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए मुझे चाहिए डिस्काउंट रेट, डिस्काउंट फैक्टर और मुझे चाहिए होता है एनविटी फैक्टर जो भी है। अब यहां पर दो चीजें दी हुई है, इधर प्लीज नोट कीजिएगा, एक दिया हुआ मुझे एनविटी फैक्टर और दिया हुआ डिस्काउंट फैक्टर, दोनों में क्या फर्क है? देखिए डिस्काउंट फैक्टर जो होता है ना ये एनुअली होता है, क्या होता है ये? हर साल का अलग अलग होता है हर साल का, जबकि एनविटी फैक्टर जो होता है वो तमाम सालों का होता है। मेरी बात रिपीट करेंगे, मैंने क्या कहा? डिस्काउंट फैक्टर हर साल का अलग अलग है। अगर मैं आपसे कहता हूं ईयर 2 का डिस्काउंट फैक्टर है, इसका मतलब इसमें ईयर 1 और ईयर 3 शामिल, ये ईयर 2 का ही डिस्काउंट फैक्टर है,
एक साल का, जबकि एनविटी में क्या होता है, एनविटी के अंदर तमाम सालों का डिस्काउंट फैक्टर शामिल होता है। क्या मेरी बात सुन वारिस के अंदर? अच्छा अभी मुझे करना क्या है सर, मुझे यहाँ पर जो 600 है ना, इस 600 डॉलर की 1, 2, 3, 4 और 5वें साल के अंदर भी, सही कह रहा हूं मैं, मुझे इन सब की प्रेजेंट वैल्यू चाहिए। इन सब की क्या चाहिए मुझे? इन सब की मुझे प्रेजेंट वैल्यू चाहिए। अगर मुझे इन तमाम 600 डॉलर्स की प्रेजेंट वैल्यू चाहिए, क्या मैं एनविटी फैक्टर से कैलकुलेट कर सकता हूँ? मुझे यहाँ पे क्या कह रहा है, एनविटी फैक्टर फॉर 5 ईयर्स। वर्डिंग भी चेंज चेक करें ना, वर्डिंग में क्या कह रहा है कि ये फॉर 5 ईयर्स है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिस्काउंट फैक्टर इन ईयर 5, यानी कि 5वें साल का डिस्काउंट फैक्टर जो है वो ये दिया हुआ है। अगर मुझे 5ों सालों की प्रेजेंट वैल्यू चाहिए, किसकी चाहिए प्रेजेंट वैल्यू, और 600 की अमाउंट कॉमन है, कॉमन है, अगर अमाउंट कॉमन हो तो क्या हम उस पर एनविटी फैक्टर अप्लाई कर सकते हैं? यस सर, अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर अमाउंट चेंज हो, अमाउंट चेंज, तो उसका मतलब फिर मैं उस पर एनविटी फैक्टर अप्लाई, जैसे कि लास्ट ईयर में देखो, लास्ट ईयर में 10,000 प्लस 600 आ रहा है, ऐसे ही, तो इसका मतलब ये है कि लास्ट ईयर को अगर मैंने ब्रेक डाउन कर दिया, तो फिर तो मैं एनविटी फैक्टर 600 पे अप्लाई कर सकता हूं, 10,000 के ऊपर अप्लाई, ऐसा ही है। तो एक काम ये करते हैं, हम 600 के जो आपके पास 5ों सालों की फ्यूचर वैल्यूज है ना, इसके ऊपर एनविटी फैक्टर अप्लाई करते हैं। क्या अप्लाई करते हैं हम? अच्छा एनविटी फैक्टर हम अप्लाई करेंगे, एनविटी फैक्टर अगर हम अप्लाई करेंगे तो मुझे एक बात बताएं, 600 क्या कहा मैंने, 600 मुझे पता है कौन सा वाला फैक्टर लेंगे, 6% वाला, 8% वाला? वेरी गुड, क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए कूपन वाला रेट कौन सा वाला रहते हैं हम, दैट इज, और कितना दिया हुआ है, 3.993, ऐसा ही है। क्या मेरी बात सुन आ रही है? मुझे बताएं कि ये प्रेजेंट वैल्यू किसकी आई है, 5 सालों की किसकी आई है, कैश कैश फ्लोस की आई है। क्या और कोई ऐसा एलिमेंट रह गया कि जिसकी मुझे प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी हो, 10,000 की, ऐसा ही है, मुझे 10,000 की प्रेजेंट वैल्यू को भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। वेरी गुड, और उसके लिए मुझे अब एनविटी का फैक्टर अप्लाई करने की जरूरत, मैं डायरेक्टली कौन सा फैक्टर अप्लाई करूंगा, डिस्काउंट फैक्टर, कितना, 0.681। क्या मेरी जी, क्या ही बात समझ आ रही है? मैं फिर रिपीट कर देता हूं, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, गौर सुनेगा। देखिए इससे पहले IFRS 9 के अंदर हमने इसके बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है, उसमें अच्छी बात यह होती थी कि मुझे हर साल का डिस्काउंट फैक्टर देता था, क्या देता था, लेकिन इस दफा बदतमीजी इसने की है कि इसने मुझे डिस्काउंट फैक्टर सिर्फ किसका दिया है, सिर्फ ईयर 5 का दिया है, सिर्फ ईयर 5 का डिस्काउंट फैक्टर दिया है। अबे ईयर 5 के डिस्काउंट फैक्टर का अचार डालू मैं, बाकी के 4 ईयर का डिस्काउंट फैक्टर कौन देगा? तो कह रहा है बाकी के 4 सालों का डिस्काउंट फैक्टर नहीं दे रहा मैं, एनविटी फैक्टर दे रहा हूं, और 4 सालों का नहीं दे रहा, कितने सालों का दे रहा है, 5 सालों का। तो एक काम ये करते हैं, क्योंकि सिमिलर अमाउंट के ऊपर एनविटी फैक्टर अप्लाई हो सकता है, तो हमने ये जो मैंने हाईलाइट किया है, मैंने इन 5ों वैल्यूज के एनविटी फैक्टर अप्लाई कर दिया, कैसे, इधर देंगे, ये रहा 600 कि 5 सालों का, ये एनविटी फैक्टर 5 सालों का दिया हुआ है, तो डायरेक्टली मैंने 5 साल के एनविटी फैक्टर से उसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू आ गई 5 सालों की पेमेंट्स की। जी बोले बोले, अगर ये फॉर एग्जांपल डिस्काउंट फैक्टर नहीं देता तो जो मैं एनएलटी का फॉर्मूला था आर लगा इनटू सकते थे, वो 5 साल लेकिन वो 5 सालों में 600 के ऊपर लगता, हाँ फिर तुम्हें 10,000 के अलग से कंपाउंड वाला फॉर्मूला लगा के उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ती। ठीक दस है हजार और 600 उसकी कोई वैल्यू नहीं। यार, तुम ये करोगे कि तुम 4 सालों को तुम एनविटी फैक्टर यानी कि जो था ना, 4 सालों पे लगाओ, और आखिरी वाले साल का 10,600 के ऊपर तुम कंपाउंड बढ़ रहे, बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, इवन यहां पर भी हम कर सकते हैं। अगर आप फारिग बैठे हो घर पे ना, तो घर पे के चेक कर लीजिएगा एक मरतबा, अभी मैं फारिग नहीं हूं, आप लोग घर पे जब फारिग हो ना, तो आप ये कर सकते हैं कि आप बिल्कुल इंतहाई फारिग हैं, तो फिर एक काम ये करें ना, बहुत ही ज्यादा फारिग है ना, तो हर हर साल के ऊपर कंपाउंड वाला फॉर्मूला लगा लें, कौन सा वाला फॉर्मूला लगा लें, यानी कि आप यू करेंगे, एक में करके दिखा दो, 600 डिवाइडेड बाय, 600 डिवाइडेड बाय, पहले साल का निकालना है, पहले साल का 1 प्लस आर, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है,
छह नहीं है, 1.08 ऐसे ही है, और पावर 1। ये पहले साल की प्रेजेंट वैल्यू आई है, फिर दूसरे साल की प्रेजेंट वैल्यू कैसे करेंगे, 600 डिवाइडेड बाय 1.08 पावर 2, खेलते रहिए। ये कितने सालों का हो गया, और कितने सालों का करना है, अबे 3 सालों का, लेकिन आखिरी साल के अंदर जो आप वैल्यू लेंगे वो 10,600। ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं आप। वाह, मैं भी तो यही कह रहा हूँ, करने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर आपको करना हो प्रैक्टिस, आप कह रहे हैं कि सर मुझे डिस्काउंट फैक्टर समझ में नहीं आया, तो हो सकता है कि उस अटेम्प्ट के अंदर जो बच्चे बैठे उनको इतना समझ में आया तो उन्होंने इसी तरीके से खच्चर गौरी की। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इसके अंदर कहने का मकसद ये कि डिस्काउंट फैक्टर को समझने की कोशिश कीजिएगा। डिस्काउंट फैक्टर होता है फॉर 1 ईयर, किसके लिए होता है? एनुइटी फैक्टर होता है फॉर मल्टीपल ईयर्स। बट याद रखिएगा, एनुइटी फैक्टर कैन ओनली बी अप्लाइड इफ द पेमेंट्स फॉर ऑल ईयर्स आर सेम। यस, याद आ रहा है, एनुइटी का फॉर्मूला हमने लगाया था, लेकिन वो कब लगाया था, जब आपकी फ्यूचर पेमेंट्स हर साल की सेम है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? ना अगर आपकी फ्यूचर पेमेंट सेम नहीं है तो उसका मतलब फिर मैं एनुइटी फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकता। क्या ये बात समझ आ रही है? यहां तक क्लियर है? चले अब सुनिएगा जरा, ये हम क्या कैलकुलेट किया, ये हमने कैलकुलेट किया प्रेजेंट वैल्यू, किसकी? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 600 की कैलकुलेट किया हमने, ऐसा ही है, एनुअल पेमेंट्स की हमने की, और ये जो हमने प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट की, दैट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लास्ट पेमेंट, सही कह रहा हूं मैं? जी 10,600 में नहीं, ये मैंने सिर्फ जो है 10,000 पे लगाया, क्योंकि 600 को मैंने ऑलरेडी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल पेमेंट्स में ले लिया है। आखिरी पेमेंट पे सिर्फ डिस्काउंट फैक्टर लगाया है, बाकी जो उससे पहले जो आपके पास 6 पेमेंट 5 पेमेंट थी उसके ऊपर मैंने एनुइटी फैक्टर लगाया। चले अब टोटल प्रेजेंट वैल्यू देख लेते जरा। अच्छा बाय द वे, हम टोटल प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर क्यों रहे? लायबिलिटी के कॉम्पोनेंट को कैलकुलेट करने के लिए, ऐसा ही है? ये मेरे पास क्या आ गई सर, ये मेरे पास आ गई प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो, सही कह रहा हूं मैं? और ये सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो नहीं है, ये लायबिलिटी भी है, सही कह रहा हूं मैं? यानी कि ये वो इनिशियल लायबिलिटी है जिस पे हमें इसको रिकॉर्ड करना चाहिए। जी आपने पैसे क्यों नहीं दिया, जैसे रजिस्टर में करवाया, रजिस्टर में कैसे कराया था? अरे मेरे भाई, मेरे पास हर साल के डिस्काउंट फैक्टर नहीं दिए हुए ना, नहीं हाँ यार, जब मुझे दिए हुए डिस्काउंट फैक्टर इन्फेक्टर क्यों करूँ फारी? अच्छा यहाँ तक क्लियर है इसके अंदर? ये हमारे पास आ गई लायबिलिटी। अच्छा अब मुझे बताएं, इक्विटी फैक्टर अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूँ, फिलहाल अभी रिक्वायरमेंट नहीं है लेकिन अब पहुंच ही गए तो इक्विटी को भी ढूंढ ही लेते हैं। प्रोसीड्स कितने की है? 10,000 की। प्रोसीड्स कितने की है? 10,000 की, ऐसा ही है? तो अगर 10,000 में से इसको माइनस कर दें तो मुझे बताएं कि कितना आ रहा है, 795। ये क्या हो जाएगा, 795 क्या हो जाएगा, ये इक्विटी का कॉम्पोनेंट। वैसे अभी रिक्वायरमेंट नहीं लेकिन ऐसे ही हमने तफरी तफरी में कैलकुलेट कर लिया कि अगर इक्विटी का कॉम्पोनेंट, और ये इक्विटी के बारे में IFRS 9 ने क्या कहा था, इट शेल नेवर बी रीस्टेटेड, इसको हम चेंज नहीं करेंगे। खैर सर अभी हम यहां पर आते हैं जरा एमोर्टाइजेशन शेड्यूल के ऊपर, ऐसे ही चले। एमोर्टाइजेशन शेड्यूल के बनाने के लिए सबसे पहले क्या था हमारे पास, ईयर, हेलो, इसके बाद ओपनिंग बैलेंस, फिर इसके बाद इफेक्टिव रेट, ले भाई इफेक्टिव रेट, फिर इसके बाद कूपन रेट, फिर इसके बाद क्लोजिंग बैलेंस। चले और हमें एक साल का ही करना है तो ईयर वन, ईयर वन के अंदर हमारे पास यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस कितना लेंगे, ओपनिंग बैलेंस 9205.8, इसके ऊपर इफेक्टिव रेट, इफेक्टिव रेट कितना परसेंट है, 8% 0.08, ऐसा ही है। बाय द वे कूपन रेट कितना है, 10,000 का 6% 0.06, ऐसा ही है।
और क्लोजिंग बैलेंस कितना आ जाएगा, दैट इज 9205 प्लस 736 माइनस 600, सो दिस विल मेक द क्लोजिंग बैलेंस। यहां तक क्लियर इसके अंदर? अच्छा बाय द वे मुझे एक बात बताएं कि इंटरेस्ट एक्सपेंस पीएनएल के अंदर जो जाना चाहिए वो कितना जाना चाहिए, ऐसे ही है? यानी कि आपके पास जो इंटरेस्ट एक्सपेंस जाना चाहिए दैट इज 736, जबकि रिक्वायरमेंट के अंदर क्या लिखा हुआ था, क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ था कि उसने इंटरेस्ट कितना रिकॉर्ड कर दिया है, 600 रिकॉर्ड कर दिया, ऐसा ही है लिखा हुआ है ना? मेरी तो सुनना मेरी बात भाई, यहां पर क्या कह रहा है कि उसने पार वैल्यू पे लायबिलिटी कैलकुलेट की एंड चार्ज 6% इंटरेस्ट टू द फाइनेंस कॉस्ट, यानी कि पेरेंट कंपनी के फाइनेंस कॉस्ट में इंटरेस्ट कितना रिकॉर्ड किया हुआ है, 600, जबकि रिकॉर्ड कितना होना चाहिए? मुझे एक बात बताएं, ज्यादा रिकॉर्ड किया हुआ है कम रिकॉर्ड किया हुआ है? इसका मतलब मुझे और बढ़ाना पड़ेगा कम करना पड़ेगा? कितने से बढ़ाना पड़ेगा? 136 से। क्या मेरी बात सुन रही है? इसके अंदर इंटरेस्ट टू बी चार्ज और रिकॉर्डेड, जी ये वैल्यू आपको एडजस्ट करनी पड़ेगी रिक्वायरमेंट, यानी कि आपको ऐड करनी पड़ेगी, चार्ज करनी पड़ेगी, यानी कि फाइनेंस कॉस्ट के अंदर अपडेट करना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यहां तक क्लियर के अंदर? चले सर, रिक्वायरमेंट्स ऑलमोस्ट सारी हो चुकी है हमारी, एडजस्टमेंट हमने सारी अकाउंट फॉर कर ली। अब आते जरा पीएनएल की तरफ, सीएसपीएल की तरफ आते जरा, सीएसपीएल का फॉर्मेट बनाते जरा, सीएसपीएल, सीएसपीएल का फॉर्मेट बनाते। सबसे पहले क्या आएगा? सेल्स रेवेन्यू, ऐसा ही है? सबसे पहले रेवेन्यू। अच्छा रेवेन्यू मुझे बताया, पेरेंट कंपनी की रेवेन्यू कितनी दी हुई है? पेरेंट कंपनी की रेवेन्यू 103,360, ऐसे ही इसके अंदर? सॉरी सॉरी गुड। अच्छा इसके अंदर आप सब्सिडरी कंपनी की रेवेन्यू लेंगे, कितनी दी हुई है? 60,800, मत भूलिएगा जी, मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 12, ब्रैकेट क्लोज, और तो कुछ नहीं आएगा। माइनस क्या माइनस करेंगे? इंट्रा सेल्स। यार इंट्रा सेल्स की अमाउंट हमने कैलकुलेट की थी, इंट्रा सेल्स यहां तक क्लियर इसके अंदर? ये हमने इसमें से माइनस कर दिया। और कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है इसके अंदर सेल्स में? और कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है? नहीं है। चले अब आया जरा कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स, और कॉस्ट ऑफ सेल्स कर लेते हैं जरा। कॉस्ट ऑफ सेल्स मुझे एक बात बताएं, कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर सबसे पहली चीज माइनस में आएगी कॉस्ट ऑफ सेल्स, माइनस का साइन ब्रैकेट ओपन। पेरेंट कंपनी की कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी है? 81,820 प्लस सब्सिडरी की कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी है? अच्छा ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं फिर से, 41,600 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 12, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ऐसे ही है? अच्छा फिर इसके बाद इंट्रा परचेजेस माइनस कर रहे हैं, इंट्रा परचेजेस 540, सेल नंबर I-23 क्या है? इंट्रा परचेजेस है ना ये? हाँ एवरी मंथ 600 एवरी मंथ है ना, तो 9 मंथ्स के कितने हो गए? 54 भाई, हम पीएनएल जो बना रहे हैं सब्सिडरी कंपनी के 9 मंथ्स की इंटरेस्ट सेल्स को एलिमिनेट कर देंगे ना क्या? अच्छा नहीं 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 क्यों करेंगे, अब 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 9 कर देंगे डायरेक्ट, तो 9 मंथ्स की आ गई ना बात समझ आ रही है इसके अंदर? तो 9 मंथ्स की सेल्स को हमने एलिमिनेट कर दिया, 9 मंथ्स की परचेजेस को भी एलिमिनेट कर दिया। हाँ यही तो लिए, नहीं नहीं 5,400 जी, यहाँ तक क्लियर इसके अंदर? अच्छा और कोई एडजस्टमेंट इसके अंदर, और कोई एडजस्टमेंट आएगी? यूआरपी ऐड करेंगे लेस करेंगे? ऐड करेंगे। अब इसी के अंदर ऐड करते हैं जरा, यूआरपी का अमाउंट कितना था? यूआरपी का अमाउंट 240, ऐसे ही है? 240 ऐड कर दिया। अब देखिए ऊपर ये फॉर्मूला बाहर चल रहा है, मैं चाहूँ तो यहाँ पर भी लिख सकता हूँ, ऐसे ही 240 हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। और कुछ आएगा? यस सर, डेप्रिसिएशन आएगा, फेयर वैल्यू का डेप्रिसिएशन। अब दो चीजें, या तो आप अलग से कैलकुलेट कर लें और सेल को लिंक कर दें, या अगर अलग से कैलकुलेट नहीं करते हैं तो इसी के अंदर एडजस्टमेंट कर दें। इसी के अंदर क्या कर दें?
अच्छा सुनिए जरा, 240 ये हमने ऐड कर दिया, 240 हमने क्या कर दिया, अच्छा इसके बाद अब डेप्रिसिएशन करना है। डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के लिए या तो अलग से वर्किंग कर लें या चाहे तो यहां पर भी कर सकते हैं। अब ये डिपेंड करेगा आपकी एक्सेल के ऊपर कितनी ग्रिप है। पहले तो ये बताएं कि डेप्रिसिएशन ऐड करना है लेस करना है, ऐड करना है, तो मैंने प्लस का साइन प्रेस कर दिया। अच्छा अब इसके बाद ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं, क्योंकि याद रखिएगा जब कोई सेपरेट कॉम्पोनेंट होगा ना उसको ब्रैकेट में लीजिएगा, अदरवाइज वो करेगा क्या, क्योंकि ये एक्सेल नादान है। कौन है ये, ये अगर प्लस का साइन के मैंने ब्रैकेट नहीं लगाया ना, मुझे पता है फेयर वैल्यू कितनी थी, फेयर वैल्यू कितनी थी 2600, तो पता है वो करेगा क्या, वो बेचारा इसको प्लस कर देगा, फिर प्लस करके जो टोटल वैल्यू आएगी उसको डिवाइड मारेगा। या आज कुछ नया सिखाया तेरे भाई ने, फीलिंग प्राउड, जो मिस ना कर सकी वो जुनैद कर दिया, समझ रहे यार, अच्छा लग रहा है मुझे यार, मैं नई चीज सिखा रहा हूँ, मैं बात समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ। अब तू ब्रैकेट में जब ले लेगा ना तो वो समझ जाएगा ये हमारा नहीं है, ये हमारा नहीं है। अच्छा 2600 डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि रिमेनिंग लाइफ 3 थी। दिखाऊं क्वेश्चन में, नहीं नहीं दिखा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, आप लोग बोलेंगे झूठा है मक्का रे, ये रहे 3, लेकिन और तो कुछ नहीं करना, हाँ मत बोलिएगा मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय, क्या मेरी बात सुन रही है, और कुछ रही भी है, बिल्कुल ऐसे ही 610। यार ये मैं फॉर्मूला फिर शो कर रहा हूं आपको, आप इस फॉर्मूले को सुकून से देखें। अरे भाई रुक जाना यार, ऊपर ये इस फॉर्मूला बार में देखें, इस फॉर्मूला बार में देख रहे हैं, फॉर्मूला बार में इसको सुकून से देखें जरा, हजम करें इसको, डाइजेस्ट करें जरा। यार ये पता नहीं कैसे जाति कन्वर्ट होती है, देखो साइड में होगा स्क्रीन शॉट मैं कर रहा हूं ना, भेजना बंद कर दो यार, नहीं कर रहे जी, डन मैं यहां बाद में तो बात हो जाएगा, हां बाबू जी डेन चले आगे करो एंटर इसको, सॉरी फिर से बोलो, प्लस ही क्या ना, अभी भी प्लस ही कर रहा हूँ जी, चले आगे तो मैं अहमद क्लियर हुआ क्या, बोल बोल नहीं यार सही तुम्हारे, तुमने कॉस्ट ऑफ सेल्स को प्लस तो नहीं, वो माइनस तो नहीं किया, मल्टीप्लाई में 9/12 किया है, चले कॉस्ट ऑफ सेल्स के बाद नेक्स्ट जीपी आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट, अच्छा ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आएगा, सम कर देंगे हम, यानी कि 34950 हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया, कॉस्ट ऑफ सेल्स, अच्छा कॉस्ट ऑफ सेल्स के बाद नेक्स्ट लाइन आइटम आ रहा है, सॉरी ग्रॉस प्रॉफिट के बाद नेक्स्ट लाइन आइटम आ रहा है, दैट इज द डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। अच्छा बाय द वे क्या डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट के अंदर कोई एडजस्टमेंट थी, नहीं कोई एडजस्टमेंट नहीं थी,
सॉरी मैं दिखा देता हूँ। अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कितनी दी हुई है? डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट आपके पास दी हुई है, दैट इज 21 2560। यार पहले दोनों खेल ले, क्या क्या हो गया? अच्छा 2560 2560 प्लस, वेरी गुड। ब्रैकेट क्यों, ब्रैकेट क्यों ओपन कर रहे हैं? प्रोपोर्शनेट करना है, प्रोपोर्शनेट करना है। 2920 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 12। क्या ये बात समझ में आ रही है? अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट के बाद नेक्स्ट क्या आ रहा है? एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, एडमिन कॉस्ट। अच्छा एडमिन कॉस्ट के अंदर अगेन मुझे बताएं पेरेंट कंपनी का एडमिन कॉस्ट कितनी है? 6080 प्लस ब्रैकेट ओपन सब्सिडरी की आ रही है 3740 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 12। जी यहाँ तक क्लियर है इसके अंदर? ये हमने एडमिन और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों कॉस्ट यहाँ पर ले ली इसके अंदर। अच्छा फिर इसके बाद इन्वेस्टमेंट इनकम आ रहा है, इधर सुनिएगा जरा प्लीज। हेलो इन्वेस्टमेंट इनकम, इन्वेस्टमेंट इनकम आपके पास यहाँ पर दी हुई है, और पहले कहा था कि इन्वेस्टमेंट इनकम जो है वो पूरी एसोसिएट की, ऐसा ही है? और एसोसिएट से जो इन्वेस्टमेंट इनकम आ रही है उसको हम क्या कर देंगे? हम एलिमिनेट कर देंगे। जी तो प्लस कर देंगे, अगर सिल्वर कंपनी की इन्वेस्टमेंट इनकम दी हुई थी तो प्लस करते, बिल्कुल करते। हाँ बिल्कुल ऐसे ही हर लाइन आइटम अपोर्शन होगा। अच्छा फिर इसके बाद फाइनेंस कॉस्ट में, हाँ सोफिया भूल गए थे, वेरी गुड यू नॉटी, ये सोफिया को याद करके बैठा मैं कब से। असद तू भी कम नहीं है बेटा, इतनी देर से खामोश बैठा हुआ है, सोफिया का नाम आया और तेरे मुस्कुराहट देख तेरी, तू भी नॉटी नॉटी बहुत है भाई, सब समझ रहा हूं मैं। शेयर ऑफ प्रॉफिट इन एसोसिएट, अच्छा शेयर ऑफ प्रॉफिट इन एसोसिएट हमने कैलकुलेट भी किया था बाय द वे, ये रहा दैट इज I30 परसेंटेज कैलकुलेट किया था, जो भी प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस का डायरेक्ट हमने 40% लगा दिया था I30। अच्छा इसके बाद शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड एसोसिएट के बाद अब नेक्स्ट हमें यहाँ पे चाहिए फाइनेंस कॉस्ट, ऐसा ही है? फाइनेंस कॉस्ट लेस कर देंगे फाइनेंस कॉस्ट। अच्छा फाइनेंस कॉस्ट के लिए तसल्ली रखिएगा, फाइनेंस कॉस्ट के लिए इक्वल्स टू माइनस ब्रैकेट ओपन, पहले तो मुझे बताएं पेरेंट कंपनी का फाइनेंस कॉस्ट कितना है? 672 दिया हुआ, लेकिन ये एडजस्टेड, इसके अंदर 136 बढ़ाने थे कम कर रहे थे, क्यों? क्योंकि 600 का फाइनेंस कॉस्ट रिकॉर्ड किया हुआ था जबकि होना कितना चाहिए था, तो इसका मतलब 136 बढ़ाने पड़ेंगे, और वो 136 का अमाउंट दिस वन, ऐसा ही है? अच्छा बट दिस इज नॉट द एंड, एक चीज शायद आप लोग भूल गए, अनवाइंडिंग याद करें कि आपने डेफर्ड कंसिडरेशन रिकॉर्ड किया था, याद आ रहा है? Yes. और जब प्रेजेंट वैल्यू पे डेफर्ड कंसिडरेशन रिकॉर्ड किया था तो उसकी इस साल की वो भी तो करनी पड़ेगी, वो क्या? अनवाइंडिंग। बिल्कुल, अभी फिलहाल मुझे नेट एसेट्स नहीं चाहिए, अभी पीएनएल आ रहा है तो पीएनएल पे भी तो अनवाइंडिंग का इंपैक्ट आता है ना, वो रिपोर्टिंग पे एडजस्ट करते हैं लाला, और वैसे भी वो आपके पास पेरेंट कंपनी की रिटेनिंग, एस कंपनी की रिटेनिंग को तो हिट करता ही नहीं वो, अगर तुम अनवाइंडिंग की एंट्री बनाओ तो क्या बनती है? पी कंपनी की रिटेन अर्निंग डेबिट और डेफर्ड कंसिडरेशन क्रेडिट, ग्रुप रिटेन अर्निंग को हिट करता वो, पासन मारिस के अंदर वो नेट एसेट्स की वर्किंग में तो वैसे भी नहीं आता। अच्छा अब अनवाइंडिंग के लिए हम चाहे तो अलग से भी वर्किंग कर सकते हैं, यहाँ पर भी इसको ले सकते हैं। बाय द वे अनवाइंडिंग का इंटरेस्ट एक्सपेंस हम जब रिकॉर्ड करेंगे तो फाइनेंस कॉस्ट बढ़ेगा या कम हो जाएगा? बढ़ जाएगा, ऐसा ही है? फाइनेंस कॉस्ट बढ़ जाएगा, ऐसा ही। अच्छा मुझे बताया प्रेजेंट वैल्यू कितनी थी? प्रेजेंट वैल्यू यस ये थी 316 मल्टीप्लाई बाय कितना परसेंट? 10% था 0.1,
तो ये आपके पास आ गया, दैट इज द फाइनेंस कॉस्ट 3976। क्या मेरी बात समझ आ रही है? जी 10% लिए। 672 ऑलरेडी दिया हुआ था, 136 का हमने एडजस्टमेंट यानी कि प्लस किया क्योंकि कम रिकॉर्ड किया होता है इंटरेस्ट एक्सपेंस, और जो फाइनेंस कॉस्ट था वो हमने यहाँ पर इसके अंदर ले लिया, यानी कि जो अनवाइंडिंग का इंपैक्ट था जिसका इंटरेस्ट एक्सपेंस था वो हमने यहाँ पर इसके अंदर इस साल का इंक्लूड कर लिया। चले फाइनेंस कॉस्ट के बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखते हैं जरा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आ रहा है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर इससे माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे? इनकम टैक्स। और इनकम टैक्स पेरेंट कंपनी का कितना है? पेरेंट कंपनी का कितना है? 4,480 प्लस ब्रैकेट ओपन 2560 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 12, ऐसा ही है 6400। ये क्या आ गया आपके पास? इनकम टैक्स। प्रॉफिट नहीं, इनकम टैक्स। अब इसके बाद आपके पास आ जाएगा इनकम टैक्स को माइनस के बाद क्या आ जाएगा? दैट इज दी नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या प्रॉफिट फॉर द ईयर। और क्या ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया? याद रहे एग्जामिनर नहीं कहेगा कि इसकी एट्रीब्यूशन करें, आपको खुद से करनी पड़ेगी। जब तक एट्रीब्यूशन नहीं होगी तब तक ये प्रॉफिट कंप्लीट नहीं है, तब तक ये इनकम स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं है। अच्छा अब मुझे एक बात बताएं कि अगर मुझे एट्रीब्यूशन करनी है, बाय द वे तो एट्रीब्यूशन करने के लिए हम करते हैं क्या सर? हम कहते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एट्रीब्यूटेबल टू, एट्रीब्यूटेबल टू। दो लोगों में एट्रीब्यूट करते हैं, किस किस को एट्रीब्यूट करते हैं? नंबर वन ग्रुप को और एनसीआई को। और जब याद रखें एट्रीब्यूट कर रहे होंगे एसोसिएट को, कोई लिफ्ट कराने की जरूरत कोई जरूरत नहीं है। टोटल प्रॉफिट आ कितना रहा है बाय द वे? टोटल प्रॉफिट कितना आ रहा है? 12093। ऐसे ही है, किसकी वर्किंग ज्यादा आसान है? अच्छा और एनसीआई की वर्किंग के अंदर टोटल पांच चीजें आ रही थी इफ यू रिमेम्बर। नंबर वन फेयर वैल्यू डेप्रिसिएशन, क्या अभी फेयर वैल्यू डेप्रिसिएशन है? फेयर वैल्यू डेप्रिसिएशन है। और इसके अलावा इंपेयरमेंट लॉस, अभी इंपेयरमेंट लॉस है? नहीं है। यूआरपी है लेकिन आएगा नहीं, क्यों? पेरेंट टू सब्सिडरी है, बात समझ आ रही है इसके अंदर? चले आए जरा हम इसके एनसीआई कैलकुलेट करें, एनसीआई की वर्किंग कैलकुलेट करते हैं जरा। एनसीआई और एनसीआई बाय द वे कहते हैं किसको? एनसीआई किसको कहते हैं? सब्सिडरी का 10%। चले सबसे पहले मुझे सब्सिडरी का प्रॉफिट बताएं, सब्सिडरी का प्रॉफिट कितना आ रहा है? 9920। लेकिन ये हम पूरा नहीं लेंगे जी, 9920 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय, यहां तक क्लियर इसके अंदर? अच्छा अब इसके अंदर हम एडजस्टमेंट करने जा रहे हैं, एडजस्टमेंट फेयर वैल्यू डेप्रिसिएशन, फेयर वैल्यू डेप्रिसिएशन 2600 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय माइनस। यहाँ पे सर रमीश काम नहीं करते, वैसे आपको बताया था ना मैंने F2 का बटन यहाँ पे काम नहीं करेगा। F2 से आप इंसर्ट सेल करना होगा तो आपको डबल क्लिक करना पड़ेगा, F2 से इंसर्ट सेल नहीं आएगा। अच्छा ये भी चलो खैर, मैं इसीलिए ना मैं अक्सर क्लास में पहले बताया करता था कि ना इस वाले एक्सेल पे ना शॉर्टकट कीज काम नहीं करती, तो वहां के मैं फिर मुझे किसी ने बोला सर हमें वैसे भी नहीं पता, तो फिर इससे मुझे पता चला कि कुछ बातों का ना पता होना ये भी नेमत है, क्योंकि आपको पता होता तो भारी लगता आपको। अल्हम्दुलिल्लाह चले अभी मुझे बताएं क्या यूआरपी है हमारे पास? नहीं है। इंपेयरमेंट लॉस नहीं है। नॉन करंट एसेट का यूआरपी, एक्सेस डेप्रिसिएशन नहीं, तो इसका एडजस्टेड यहां तक क्लियर इसके अंदर? ये आपके पास एडजस्टेड प्रॉफिट आ गया, और हमें कितना परसेंट चाहिए? एनसीआई का परसेंटेज कितना है? 10%। तो एनसीआई का परसेंटेज है 10,
तो हम इसका 6790 का 10% कैलकुलेट कर लेते हैं, दैट इज 679, ये एनसीआई शेयर आ गया। ऐसे ही है, सेल नंबर नोट कर लें, C43। और बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी, दैट इज दिस माइनस दिस। अबे नहीं, वो इसी को दिस को दिस ही कर दिया, ये हो गया, ये ग्रुप प्रॉफिट आ गया, जो कि बैलेंसिंग फिगर शो कर रहा है। जी ये कंप्लीट हो गया। जी यहाँ तक क्लियर है, पहले बताएं इसके अंदर। देखिए क्वेश्चन के अंदर जो आपके पास यहाँ पर चीजें है ना, एक बात याद रखिएगा, एक बात याद रखिएगा कि क्वेश्चन कैसा भी हो, एक आधी एडजस्टमेंट जरूर एग्जामिनर ऐसी टेस्ट करता है कि जो कि आपको थोड़ी ट्रबल करती है, और वो हमेशा आपको करेगी उसके अंदर, याद रखिएगा। उसके अंदर ये हमेशा आपके पास होगा कि कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी कि जो आप कहेंगे 100% आती हो। एनसीए की एडजस्टमेंट ये रही। क्लियर है मां? कॉस्ट ऑफ सेल्स कॉस्ट ऑफ सेल्स की एडजस्टमेंट कह रहे हैं ना, कॉस्ट ऑफ सेल्स की क्या दिखाऊं तुम्हें, ये वर्किंग, ये ऊपर फॉर्मूला बार में देखो। देखता हूँ मैं यार, पूरी भी अभी लगता है। एनुअल इंटरेस्ट एक्सपेंस आएगा, तो हमें करना है क्या, हमें एनुअल इंटरेस्ट एक्सपेंस नहीं चाहिए, हमें इसको प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा, यानी कि जो प्रेजेंट वैल्यू थी इसके ऊपर हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया, दैट इज 10% मल्टीप्लाई बाय 9 और डिवाइडेड बाय 12, ये प्लीज मत भूलिएगा, क्योंकि अनवाइंडिंग को भी प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा, क्योंकि जो इंटरेस्ट एक्सपेंस आ रहा है वो एनुअल इंटरेस्ट एक्सपेंस आ रहा है। क्या ये बात समझ आ रही है इसके अंदर? मैंने किया नहीं होगा, मैं भूल गया हूँ, तो ये आपके पास आएगा, और ये मुझे कुछ और करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली सारी चीजें खुद ब खुद चेंज हो जाएंगी। एनसीए के एट्रीब्यूशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज आएगी भाई, ये रहा। वन टू डबल एट फाइव एनसीए के एट्रीब्यूशन क्या दिखाऊंगा हमारे, ये सब ये पीएनएल को 9 में से प्रोपोर्शनेट किया है। हाँ तो लिया ना, ये रहा 10%, आखिर में 10% लगाए। अच्छा इसको आगे चलाऊं? अच्छा सुनिएगा जरा इधर, एक्सक्यूज मी। अच्छा ये जो आप क्वेश्चन कंप्लीट करें ना घर पे ट्राई करें, तो आपने नेक्स्ट का बटन मैंने नीचे दबाया अभी प्रेस किया, जैसे ही नेक्स्ट का बटन किया था तो ये मेरे पास यहाँ पर आ गया, एक क्वेश्चन मैंने स्किप कर दिया था, दूसरा मैंने कंप्लीट किया है। अच्छा अब जैसे करूंगा देखिए यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड पे नीचे एंड एग्जाम का बटन दिख रहा है, दिख रहा है? इस एंड एग्जाम के बटन को आपने प्रेस करना है, वो आपसे कह रहा है कि आर यू श्योर, आपने कहना है यस, फिर वो पूछ रहा है आर यू श्योर, आपने कहना है यस, ठीक है। अब आपको यहाँ पे फिर से लेफ्ट साइड पे एग्जिट का बटन दे रहे हैं, दे रहे, ये एग्जिट का बटन आपने प्रेस कर दिया। अच्छा जैसे ही आपने प्रेस किया ना, तो आपके पास लेफ्ट साइड पे ऊपर मार्क का बटन दिख रहा है, दिख रहे हैं? अरे ऊपर मार्क का ऑप्शन दिख रहा है, टैब, मार्क के टैब पे आप जब जाएंगे तो वहां पर आपने जो अटेम्प्ट किया होगा वो यहां पर आ जाएगा, ये आ गया सेल्फ मार्क। अब जैसे ही आप सेल्फ मार्क करेंगे तो लोडिंग होगी। अच्छा अब ये चीज सुनेगा, ये आपके पास लोडिंग, ये क्वेश्चन नंबर वन है, ठीक है, जो अभी हमने फिलहाल अटेम्प्ट नहीं किया। अब इसको आगे कैसे करेंगे, मुझे थोड़ा जूम आउट करने दे, नजर आए कुछ हो क्या रहा है। हाँ हाँ ठीक है ना यार, दिख गया ना। फिर क्वेश्चन नंबर टू जब करेंगे तो लोडिंग होगी जी। अभी आपके पास क्वेश्चन आ गया, ठीक है,
अब ये क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर आ रहा है, और अब आपके पास क्वेश्चन जब यहाँ पर आ रहा है तो अब आपके पास यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन आ रहे हैं, देख रहे हैं आपको, एक आ रहा है क्वेश्चन मार्किंग गाइडलाइंस, जो मैंने सोल्यूशन किया पूरा मेरे सामने आ गया सोल्यूशन, ठीक है, और एक आ रहा है क्वेश्चन सैंपल आंसर। अब आपने अगर मार्किंग करनी है तो ये आपने क्लिक हेयर लिखा हुआ रख, दिख रहा है, इस क्लिक हेयर को क्लिक करना है आपको, अच्छा अभी आपके सैंपल आंसर आ गया सर, यानी कि पूरे क्वेश्चन का ये आपके पास यहाँ पर जो लेफ्ट साइड पे ये पीडीएफ फॉर्मेट में आ चुका है, किसमें आ चुका है, ये पीडीएफ फॉर्मेट में आप इसको सेव भी कर सकते हैं, यानी कि एग्जामिनर का पूरा आंसर है। अब मैं इसको आपको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ, नजर आ रहा है, अबे क्या है यार, चला गया ना वो तो। ये क्या सीन है, डाउनलोड कैसे हो गया, स्क्रीनशॉट ले ना अच्छा ये देखें जरा, बड़े तो भूल गया मैं, लेकिन इसमें जूम नहीं हो रहा है। अबे देख लो यार ये चाइनीज